आज हम यहाँ पर साउथ की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से करते आ रहे थे। मूवी का नाम है DSP। अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर, तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप भी विजय सेतुपति के फ़ैन हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको बताऊँगा ये जो मूवी है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, इस मूवी की जो कहानी है वो क्या है, और साथ ही मैं इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताऊँगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलिए जानते हैं मूवी के बारे में और मूवी की कहानी क्या है, कहाँ पर उपलब्ध है, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। तो DSP मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था तमिल भाषा में, पर जब ये मूवी रिलीज़ हुई OTT के ऊपर, तब इस मूवी को हिंदी के अंदर भी रिलीज़ किया गया। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है कि अब जो नेटफ्लिक्स है वो भी बहुत सारे ऐसे कॉन्टेंट है जो कि हमें दे रहा हिंदी के अंदर। और कुछ टाइम पहले इन्होंने जो है ट्वीट भी की थी कि वे लोग जो है वो हिंदी में भी कंटेंट देंगे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप रही थी, तो दोस्तों इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 11 करोड़ का हुआ था, जो कि एक एवरेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही थी, तो यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि मूवी फ्लॉप रही तो बेकार रहेंगी, क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सारी मूवीज़ होती है जो कि फ्लॉप हो जाती है, पर हिंदी ऑडियंस को वो मूवी काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी है। आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप हमें जो है वो कमेंट कर कर बताइएगा। अगर हम बात कर लेते हैं मूवी के बारे में कि कहाँ पर मूवी देखने को मिलेंगी, तो वैसे ये मूवी अभी के लिए नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स से हिंदी में देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स है वहाँ पर आपको मिलेंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, और इनके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। चलिए बात करते हैं मूवी की रेटिंग के बारे में। तो जो IMDB रेटिंग थी वहाँ पर 10 में से 3.5 की रेटिंग मिली थी, जो कि एक बहुत ही कम रेटिंग कहलाती है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2 स्टार मिले थे, और जो तमिल मूवीज़ है जो कि रिव्यूज़ करते हैं तमिल मूवीज़ के, उन्होंने भी इस मूवी को 2 स्टार दिए थे। और 65% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था गूगल की तरफ से। तो यहाँ पर आप इस मूवी की रेटिंग देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की जो स्टोरी लाइन और मूवी जो है एवरेज है, पर मेरी माने तो आप रेटिंग पर मत जाएं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मूवीज है जिनकी रेटिंग कम मिलती है पर वो मूवीज़ ब्लॉकबस्टर बन जाती है, जैसे कि भाग्य 3। इस मूवी को डायरेक्ट किया था पोन राम ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी मूवीज़ बनाई है, जैसे कि सीमा राजा। इसके अलावा भी इन्होंने जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ दी हुई हैं। इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रहती है और हटके रहती है, तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि जो सभी डायरेक्टर हैं उनकी सभी मूवीज़ हमेशा हिट ही जाए, कुछ मूवीज़ फ्लॉप भी जा सकती है। चलिए जानते हैं हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या इस मूवी की कहानी है, कहाँ पर हमें यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों जो मूवी की कहानी है वो एक अमेजिंग है और इंटरेस्टिंग है, कुछ नया आपको इस मूवी के अंदर वापस देखने को मिलेगा। मुझे दोस्तों यह मूवी जो थी वो एक वॉचेबल लगी। आप इस मूवी को देखिए, आपको यह मूवी जो है वो कैसी लगती है मुझे आप बताइएगा। आप सभी लोग हमें दोस्तों फॉलो कर सकते हैं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जो है वो जानकारी मिलती रहेंगी, तो हो सके तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। अगर आपको इस मूवी से कोई और शिकायत या फिर और कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को जो है वो बता दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी इस मूवी की क्या है। तो वैसे दोस्तों कहानी इस मूवी की काफ़ी सिंपल रहती है, पर इससे पहले हमें इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में जानना होगा। तो इस मूवी के अंदर जो विजय सेतुपति है, इसके अलावा शिवानी नारायण भी है, अनुकीर्ति वास है, प्रभाकर है, पुगा झा है, दीपा शंकर, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। पृथ्वीराजन, गजराज, लिंगा, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार भी मूवी के अंदर हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। कुल मिलाकर ये एक वॉचेबल मूवी है। अगर हम बात करें कि मूवी की जो कहानी हो किस प्रकार की है, तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप लोग कॉमेडी एक्शन टाइप मूवीज़ देखते हैं तो इसे आप देख सकते हैं, यह मूवी आपको अच्छी लगेंगी। मूवी के अंदर आपको थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलता है। तो होता कुछ यूँ है कि एक गुंडा होता है, उनके साथ झगड़ने के कारण अपने परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद एक व्यक्ति जो होता है बदल लेने के लिए अपने गुहनगर के DSP के रूप में लौटता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ होता यूँ है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर
जिनके साथ कभी कुछ बुरा होता है तो बदला कुछ बन के दिखाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी मूवी का जो हीरो होता है उसके साथ बहुत पहले कुछ गलत हुआ था, बहुत बुरा हुआ था, फिर वो जो DSP बन जाता है और कैसे सबके वार्ड लगाता है वो आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका यही सवाल रहेगा, क्या ये वो रियल DSP है या फिर फेंक? तो आप इस मूवी को देखिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल हो चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और भी बहुत जगह पर अवेलेबल है जहाँ से आप देखिए। मुझे यकीन है कि मूवी शायद आपको अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है और हटके बनाई गई है, जो कि इस तरह की कहानी हमें पहले भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है। पर यहाँ पर विजय सेतुपति है तो उनकी बात अलग ही है, और विजय सेतुपति काफ़ी कमाल के एक्टर भी हैं, इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी शानदार रहती है। तो कुल मिलाकर एक कमाल की मूवी बनी है, तो इस मूवी को आप लोग देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको शायद मूवी अच्छी लगेंगी। और आने वाले टाइम में इस मूवी को शायद यूट्यूब पर रिलीज़ किया जा सकता है, क्योंकि मूवी का जो बैनर था वो सन टीवी था, तो सन टीवी की मूवी शायद हमें यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप सभी लोग हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस मूवी का जो टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को स्टार गोल्ड पर देखने को मिलता रहेगा, तो आप चाहे तो इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर साउथ की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से करते आ रहे थे। मूवी का नाम है DSP। अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर, तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आप भी विजय सेतुपति के फ़ैन हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इस मूवी की जो कहानी है वो क्या है, और साथ ही में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलिए जानते हैं मूवी के बारे में और मूवी की कहानी क्या है, कहां पर उपलब्ध है, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। तो DSP मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था तमिल भाषा में, पर जब ये मूवी रिलीज़ हुई OTT के ऊपर तब इस मूवी को हिंदी के अंदर भी रिलीज़ किया गया। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है कि अब जो नेटफ्लिक्स है वो भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो कि हमें दे रहा हिंदी के अंदर, और कुछ टाइम पहले इन्होंने जो है ट्वीट भी की थी कि वे लोग जो है वो हिंदी में भी कंटेंट देंगे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप रही थी, तो दोस्तों इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 11 करोड़ का हुआ था, जो कि एक एवरेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही थी। तो यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि मूवी फ्लॉप रही तो बेकार रहेंगी, क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सारी मूवीज़ होती है जो कि फ्लॉप हो जाती है, पर हिंदी ऑडियंस को वो मूवी काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी है, आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप हमें जो है वो कमेंट कर कर बताइएगा। अगर हम बात कर लेते हैं मूवी के बारे में कि कहाँ पर मूवी देखने को मिलेंगी, तो वैसे ये मूवी अभी के लिए नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स से हिंदी में देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स है वहाँ पर आपको मिलेंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, और इनके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। चलिए बात करते हैं मूवी की रेटिंग के बारे में, तो जो IMDB रेटिंग थी वहाँ पर 10 में से 3.5 की रेटिंग मिली थी, जो कि एक बहुत ही कम रेटिंग कहलाती है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2 स्टार मिले थे, और जो तमिल मूवीज़ है जो कि रिव्यूज़ करते हैं तमिल मूवीज़ के, उन्होंने भी इस मूवी को 2 स्टार दिए थे, और 65% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था गूगल की तरफ से। तो यहाँ पर आप इस मूवी की रेटिंग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की जो स्टोरी लाइन और मूवी जो है एवरेज है, पर मेरी मानो तो आप रेटिंग पर मत जाएं, क्योंकि तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जिनकी रेटिंग कम मिलती है पर वो मूवीज़ ब्लॉकबस्टर बन जाती है, जैसे कि भाग्य 3। इस मूवी को डायरेक्ट किया था पोन राम ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी मूवीज़ बनाई है, जैसे कि सीमा राजा। इसके अलावा भी इन्होंने जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ दी हुई हैं, इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रहती है और हटके रहती है, तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि जो सभी डायरेक्टर हैं उनकी सभी मूवीज़ हमेशा हिट ही जाए, कुछ मूवीज़ फ्लॉप भी जा सकती है। चलिए जानते हैं हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या इस मूवी की कहानी है, कहाँ पर हमें यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों जो मूवी की कहानी है वो एक अमेजिंग है और इंटरेस्टिंग है, कुछ नया आपको इस मूवी के अंदर वापस देखने को मिलेगा। मुझे दोस्तों यह मूवी जो थी वो एक वॉचेबल लगी, आप इस मूवी को देखिए, आपको यह मूवी जो है वो कैसी लगती है मुझे आप बताइएगा। आप सभी लोग हमें दोस्तों फॉलो कर सकते हैं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जो है वो जानकारी मिलती रहेंगी, तो हो सके तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। अगर आपको इस मूवी से कोई और शिकायत या फिर और कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को जो है वो बता दूंगा।
चलिए बात कर लेते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी इस मूवी की क्या है। तो वैसे दोस्तों कहानी इस मूवी की काफ़ी सिंपल रहती है, पर इससे पहले हमें इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में जानना होगा। तो इस मूवी के अंदर जो विजय सेतुपति है, इसके अलावा शिवानी नारायण भी है, अनुकीर्ति वास है, प्रभाकर है, पुगा झा है, दीपा शंकर, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। पृथ्वीराजन, गजराज, लिंगा, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार भी मूवी के अंदर हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। कुल मिलाकर ये एक वॉचेबल मूवी है। अगर हम बात करें कि मूवी की जो कहानी हो किस प्रकार की है, तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप लोग कॉमेडी एक्शन टाइप मूवीज़ देखते हैं तो इसे आप देख सकते हैं, ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी। मूवी के अंदर आपको थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलता है। तो होता कुछ यूँ है कि एक गुंडा होता है, उनके साथ झगड़ने के कारण अपने परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद एक व्यक्ति जो होता है बदल लेने के लिए अपने गुहनगर के DSP के रूप में लौटता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ होता यूँ है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जिनके साथ कभी कुछ बुरा होता है तो बदला कुछ बन के दिखाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी मूवी का जो हीरो होता है उसके साथ बहुत पहले कुछ गलत हुआ था, बहुत बुरा हुआ था, फिर वो जो DSP बन जाता है और कैसे सबके वार्ड लगाता है वो आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका यही सवाल रहेगा क्या ये वो रियल DSP है या फिर फेंक। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल हो चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और भी बहुत जगह पर अवेलेबल है जहाँ से आप देखिए। मुझे यकीन है कि मूवी शायद आपको अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है और हटके बनाई गई है, जो कि इस तरह की कहानी हमें पहले भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है, पर यहाँ पर विजय सेतुपति है तो उनकी बात अलग ही है। और विजय सेतुपति काफ़ी कमाल के एक्टर भी हैं, इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी शानदार रहती है। तो कुल मिलाकर एक कमाल की मूवी बनी है। तो इस मूवी को आप लोग देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको शायद मूवी अच्छी लगेंगी। और आने वाले टाइम में इस मूवी को शायद यूट्यूब पर रिलीज़ किया जा सकता है, क्योंकि मूवी का जो बैनर था वो सन टीवी था, तो सन टीवी की मूवी शायद हमें यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप सभी लोग हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस मूवी का जो टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को स्टार गोल्ड पर देखने को मिलता रहेगा, तो आप चाहे तो इस मूवी को TV पर भी देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर साउथ की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से करते आ रहे थे। मूवी का नाम है DSP। अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आप भी विजय सेतुपति के फ़ैन हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इस मूवी की जो कहानी है वो क्या है, और साथ ही मैं इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलिए जानते हैं मूवी के बारे में और मूवी की कहानी क्या है, कहां पर उपलब्ध है, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। तो DSP मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था तमिल भाषा में, पर जब ये मूवी रिलीज़ हुई OTT के ऊपर तब इस मूवी को हिंदी के अंदर भी रिलीज़ किया गया। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है कि अब जो नेटफ्लिक्स है वो भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो कि हमें दे रहा हिंदी के अंदर, और कुछ टाइम पहले इन्होंने जो है ट्वीट भी की थी कि वे लोग जो है वो हिंदी में भी कंटेंट देंगे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप रही थी, तो दोस्तों इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 11 करोड़ का हुआ था, जो कि एक एवरेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही थी। तो यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि मूवी फ्लॉप रही तो बेकार रहेंगी, क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सारी मूवीज़ होती है जो कि फ्लॉप हो जाती है, पर हिंदी ऑडियंस को वो मूवी काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी है। आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप हमें जो है वो कमेंट कर कर बताइएगा। अगर हम बात कर लेते हैं मूवी के बारे में कि कहाँ पर मूवी देखने को मिलेंगी, तो वैसे ये मूवी अभी के लिए नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स से हिंदी में देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स है वहाँ पर आपको मिलेंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, और इनके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। चलिए बात करते हैं मूवी की रेटिंग के बारे में। तो जो IMDB रेटिंग थी वहाँ पर 10 में से 3.5 की रेटिंग मिली थी, जो कि एक बहुत ही कम रेटिंग कहलाती है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2 स्टार मिले थे, और जो तमिल मूवीज़ है जो कि रिव्यूज़ करते हैं तमिल मूवीज़ के, उन्होंने भी इस मूवी को 2 स्टार दिए थे, और 65% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था गूगल की तरफ से। तो यहाँ पर आप इस मूवी की रेटिंग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की जो स्टोरी लाइन और मूवी जो है एवरेज है, पर मेरी माने तो आप रेटिंग पर मत जाएं, क्योंकि तो ऐसी बहुत सारी मूवीज है जिनकी रेटिंग कम मिलती है पर वो मूवीज़ ब्लॉकबस्टर बन जाती है, जैसे कि भाग्य 3। इस मूवी को डायरेक्ट किया था पोंड राम ने,
जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी मूवीज़ बनाई है, जैसे कि सीमा राजा। इसके अलावा भी इन्होंने जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ दी हुई है। इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रहती है और हट के रहती है, तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि जो सभी डायरेक्टर हैं उनकी सभी मूवीज़ हमेशा हिट ही जाए, कुछ मूवीज़ फ्लॉप भी जा सकती है। चलिए जानते हैं हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या इस मूवी की कहानी है, कहाँ पर हमें ये मूवी देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों जो मूवी की कहानी है वो एक अमेजिंग है और इंटरेस्टिंग है, कुछ नया आपको इस मूवी के अंदर वापस देखने को मिलेगा। मुझे दोस्तों यह मूवी जो थी वो एक वॉचेबल लगी। आप इस मूवी को देखिए, आपको यह मूवी जो है वो कैसी लगती है मुझे आप बताइएगा। आप सभी लोग हमें दोस्तों फॉलो कर सकते हैं, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जो है वो जानकारी मिलती रहेंगी। तो हो सके तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। अगर आपको इस मूवी से कोई और शिकायत या फिर और कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को जो है वो बता दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी इस मूवी की क्या है। तो वैसे दोस्तों कहानी इस मूवी की काफ़ी सिंपल रहती है, पर इससे पहले हमें इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में जानना होगा। तो इस मूवी के अंदर जो विजय सेतुपति है, इसके अलावा शिवानी नारायण भी है, अनुकीर्ति वास है, प्रभाकर है, फुगाजा है, दीपा शंकर, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। पृथ्वीराजन, गजराज, लिंगा, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार भी मूवी के अंदर हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। कुल मिलाकर ये एक वॉचेबल मूवी है। अगर हम बात करें कि मूवी की जो कहानी हो किस प्रकार की है, तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप लोग कॉमेडी एक्शन टाइप मूवीज़ देखते हैं तो इसे आप देख सकते हैं, यह मूवी आपको अच्छी लगेंगी। मूवी के अंदर आपको थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलता है। तो होता कुछ यूँ है कि एक गुंडा होता है, उनके साथ झगड़ने के कारण अपने परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद एक व्यक्ति जो होता है बदल लेने के लिए अपने गुहनगर के DSP के रूप में लौटता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ होता यूँ है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जिनके साथ कभी कुछ बुरा होता है तो बदला कुछ बन के दिखाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी मूवी का जो हीरो होता है उसके साथ बहुत पहले कुछ गलत हुआ था, बहुत बुरा हुआ था, फिर वो जो DSP बन जाता है और कैसे सबके वार्ड लगाता है वो आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका यही सवाल रहेगा क्या ये वो रियल DSP या फिर फेंक। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल हो चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और भी बहुत जगह पर अवेलेबल है जहाँ से आप देखिए। मुझे यकीन है कि मूवी शायद आपको अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है और हटके बनाई गई है, जो कि इस तरह की कहानी हमें पहले भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है, पर यहाँ पर विजय सेतुपति है तो उनकी बात अलग ही है। और विजय सेतुपति काफ़ी कमाल के एक्टर भी हैं, इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी शानदार रहती है। तो कुल मिलाकर एक कमाल की मूवी बनी है। तो इस मूवी को आप लोग देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको शायद मूवी अच्छी लगेंगी। और आने वाले टाइम में इस मूवी को शायद यूट्यूब पर रिलीज़ किया जा सकता है, क्योंकि मूवी का जो बैनर था वो Sun TV था, तो Sun TV की मूवी शायद हमें यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस मूवी का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो आप सभी को स्टार गोल्ड पर देखने को मिलता रहेगा, तो आप चाहे तो इस मूवी को TV पर भी देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर साउथ की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से करते आ रहे थे। मूवी का नाम है DSP। अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आप भी विजय सेतुपति के फ़ैन हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इस मूवी की जो कहानी है वो क्या है, और साथ ही मैं इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलिए जानते हैं मूवी के बारे में और मूवी की कहानी क्या है, कहां पर उपलब्ध है, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। तो DSP मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था तमिल भाषा में, पर जब ये मूवी रिलीज़ हुई OTT के ऊपर तब इस मूवी को हिंदी के अंदर भी रिलीज़ किया गया। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है कि अब जो नेटफ्लिक्स है वो भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो कि हमें दे रहा हिंदी के अंदर, और कुछ टाइम पहले इन्होंने जो है ट्वीट भी की थी कि वे लोग जो है वो हिंदी में भी कंटेंट देंगे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप रही थी, तो दोस्तों इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 11 करोड़ का हुआ था, जो कि एक एवरेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही थी। तो यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि मूवी फ्लॉप रही तो बेकार रहेंगी, क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सारी मूवीज़ होती है जो कि फ्लॉप हो जाती है, पर हिंदी ऑडियंस को वो मूवी काफ़ी अच्छी लगती है।
मुझे ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी है। आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप हमें जो है वो कमेंट कर कर बताइएगा। अगर हम बात कर लेते हैं मूवी के बारे में कि कहाँ पर मूवी देखने को मिलेंगी, तो वैसे ये मूवी अभी के लिए नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स से हिंदी में देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स है वहाँ पर आपको मिलेंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा। फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है और इनके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। चलिए बात करते हैं मूवी की रेटिंग के बारे में। तो जो IMDb रेटिंग थी वहाँ पर 10 में से 3.5 की रेटिंग मिली थी, जो कि एक बहुत ही कम रेटिंग कहलाती है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2 स्टार मिले थे, और जो तमिल मूवीज़ है जो कि रिव्यूज़ करते हैं तमिल मूवीज़ के, उन्होंने भी इस मूवी को 2 स्टार दिए थे। और 65% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था गूगल की तरफ से। तो यहाँ पर आप इस मूवी की रेटिंग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की जो स्टोरी लाइन और मूवी जो है एवरेज है। पर मेरी माने तो आप रेटिंग पर मत जाएं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मूवीज है जिनकी रेटिंग कम मिलती है पर वो मूवीज़ ब्लॉकबस्टर बन जाती है, जैसे कि भाग्य 3। इस मूवी को डायरेक्ट किया था पोन राम ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी मूवीज़ बनाई है, जैसे कि सीमा राजा। इसके अलावा भी इन्होंने जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ दी हुई हैं। इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रहती है और हटके रहती है, तो वो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि जो सभी डायरेक्टर हैं उनकी सभी मूवीज़ हमेशा हिट ही जाए, कुछ मूवीज़ फ्लॉप भी जा सकती है। चलिए जानते हैं हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या इस मूवी की कहानी है, कहाँ पर हमें यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों जो मूवी की कहानी है वो एक अमेजिंग है और इंटरेस्टिंग है, कुछ नया आपको इस मूवी के अंदर वापस देखने को मिलेगा। मुझे दोस्तों यह मूवी जो थी वो एक वॉचेबल लगी। आप इस मूवी को देखिए, आपको यह मूवी जो है वो कैसी लगती है मुझे आप बताइएगा। आप सभी लोग हमें दोस्तों फॉलो कर सकते हैं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जो है वो जानकारी मिलती रहेंगी। तो हो सके तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। अगर आपको इस मूवी से कोई और शिकायत या फिर और कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को जो है वो बता दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी इस मूवी की क्या है। तो वैसे दोस्तों कहानी इस मूवी की काफ़ी सिंपल रहती है, पर इससे पहले हमें इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में जानना होगा। तो इस मूवी के अंदर जो विजय सेतुपति है, इसके अलावा शिवानी नारायण भी है, अनुकीर्ति वास है, प्रभाकर है, पुगा झा है, दीपा शंकर, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। पृथ्वीराजन, गजराज, लिंगा, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार भी मूवी के अंदर हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। कुल मिलाकर ये एक वॉचेबल मूवी है। अगर हम बात करें कि मूवी की जो कहानी हो किस प्रकार की है, तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप लोग कॉमेडी एक्शन टाइप मूवीज़ देखते हैं तो इसे आप देख सकते हैं, ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी। मूवी के अंदर आपको थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलता है। तो होता कुछ यूँ है कि एक गुंडा होता है, उनके साथ झगड़ने के कारण अपने परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद एक व्यक्ति जो होता है बदल लेने के लिए अपने गुहनगर के DSP के रूप में लौटता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ होता यूँ है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जिनके साथ कभी कुछ बुरा होता है तो बदला कुछ बन के दिखाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी मूवी का जो हीरो होता है उसके साथ बहुत पहले कुछ गलत हुआ था, बहुत बुरा हुआ था, फिर वो जो DSP बन जाता है और कैसे सबके वार्ड लगाता है वो आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका यही सवाल रहेगा क्या ये वो रियल DSP है या फिर फेंक। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल हो चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और भी बहुत जगह पर अवेलेबल है जहाँ से आप देखिए। मुझे यकीन है कि मूवी शायद आपको अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है और हटके बनाई गई है, जो कि इस तरह की कहानी हमें पहले भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है। पर यहाँ पर विजय सेतुपति है तो उनकी बात अलग ही है, और विजय सेतुपति काफ़ी कमाल के एक्टर भी हैं, इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी शानदार रहती है। तो कुल मिलाकर एक कमाल की मूवी बनी है। तो इस मूवी को आप लोग देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको शायद मूवी अच्छी लगेंगी। और आने वाले टाइम में इस मूवी को शायद यूट्यूब रिलीज़ किया जा सकता है, क्योंकि मूवी का जो बैनर था वो Sun TV था, तो Sun TV की मूवी शायद हमें यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप सभी लोग हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस मूवी का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो आप सभी को स्टार गोल्ड पर देखने को मिलता रहेगा, तो आप चाहे तो इस मूवी को TV पर भी देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर साउथ की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से करते आ रहे थे। मूवी का नाम है DSP। अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आप भी विजय सेतुपति के फ़ैन हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, इस मूवी की जो कहानी है वो क्या है, और साथ ही में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलिए जानते हैं मूवी के बारे में और मूवी की कहानी क्या है, कहाँ पर उपलब्ध है, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। तो DSP मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था तमिल भाषा में, पर जब ये मूवी रिलीज़ हुई OTT के ऊपर तब इस मूवी को हिंदी के अंदर भी रिलीज़ किया गया। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है कि अब जो नेटफ्लिक्स है वो भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो कि हमें दे रहा हिंदी के अंदर, और कुछ टाइम पहले इन्होंने जो है ट्वीट भी की थी कि वे लोग जो है वो हिंदी में भी कंटेंट देंगे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप रही थी, तो दोस्तों इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 11 करोड़ का हुआ था, जो कि एक एवरेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही थी। तो यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि मूवी फ्लॉप रही तो बेकार रहेंगी, क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सारी मूवीज़ होती है जो कि फ्लॉप हो जाती है, पर हिंदी ऑडियंस को वो मूवी काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी है, आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप हमें जो है वो कमेंट कर कर बताइएगा। अगर हम बात कर लेते हैं मूवी के बारे में कि कहाँ पर मूवी देखने को मिलेंगी, तो वैसे ये मूवी अभी के लिए नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स से हिंदी में देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स है वहाँ पर आपको मिलेंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है और इनके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। चलिए बात करते हैं मूवी की रेटिंग के बारे में, तो जो IMDB रेटिंग थी वहाँ पर 10 में से 3.5 की रेटिंग मिली थी, जो कि एक बहुत ही कम रेटिंग कहलाती है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2 स्टार मिले थे, और जो तमिल मूवीज़ है जो कि रिव्यूज़ करते हैं तमिल मूवीज़ के, उन्होंने भी इस मूवी को 2 स्टार दिए थे, और 65% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था गूगल की तरफ से। तो यहाँ पर आप इस मूवी की रेटिंग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की जो स्टोरी लाइन और मूवी जो है एवरेज है, पर मेरी मानो तो आप रेटिंग पर मत जाएं, क्योंकि तो ऐसी बहुत सारी मूवीज है जिनकी रेटिंग कम मिलती है पर वो मूवीज़ ब्लॉकबस्टर बन जाती है, जैसे कि भाग्य 3। इस मूवी को डायरेक्ट किया था पोन राम ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं, साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी मूवीज़ बनाई है जैसे कि सीमा राजा। इसके अलावा भी इन्होंने जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ दी हुई है, इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रहती है और हटके रहती है, तो वो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि जो सभी डायरेक्टर हैं उनकी सभी मूवीज़ हमेशा हिट ही जाए, कुछ मूवीज़ फ्लॉप भी जा सकती है। चलिए जानते हैं हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या इस मूवी की कहानी है, कहाँ पर हमें यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों जो मूवी की कहानी है वो एक अमेजिंग है और इंटरेस्टिंग है, कुछ नया आपको इस मूवी के अंदर वापस देखने को मिलेगा। मुझे दोस्तों यह मूवी जो थी वो एक वॉचेबल लगी, आप इस मूवी को देखिए, आपको यह मूवी जो है वो कैसी लगती है मुझे आप बताइएगा। आप सभी लोग हमें दोस्तों फॉलो कर सकते हैं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जो है वो जानकारी मिलती रहेंगी, तो हो सके तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। अगर आपको इस मूवी से कोई और शिकायत है या फिर और कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को जो है वो बता दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी इस मूवी की क्या है। तो वैसे दोस्तों कहानी इस मूवी की काफ़ी सिंपल रहती है, पर इससे पहले हमें इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में जानना होगा। तो इस मूवी के अंदर जो विजय सेतुपति है, इसके अलावा शिवानी नारायण भी है, अनुकीर्ति वास है, प्रभाकर है, पुगा झा है, दीपा शंकर, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, पृथ्वीराजन, गजराज, लिंगा, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार भी मूवी के अंदर हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। कुल मिलाकर ये एक वॉचेबल मूवी है। अगर हम बात करें कि मूवी की जो कहानी हो किस प्रकार की है, तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप लोग कॉमेडी एक्शन टाइप मूवीज़ देखते हैं तो इसे आप देख सकते हैं, ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी। मूवी के अंदर आपको थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलता है। तो होता कुछ यूँ है कि एक गुंडा होता है, उनके साथ झगड़ने के कारण अपने परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद एक व्यक्ति जो होता है बदल लेने के लिए अपने गुहनगर के DSP के रूप में लौटता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ होता यूँ है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जिनके साथ कभी कुछ बुरा होता है तो बदला कुछ बन के दिखाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी मूवी का जो हीरो होता है उसके साथ बहुत पहले कुछ गलत हुआ था, बहुत बुरा हुआ था, फिर वो जो DSP बन जाता है और कैसे सबके वार्ड लगाता है वो आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका यही सवाल रहेगा क्या ये वो रियल DSP है या फिर फेंक, तो आप इस मूवी को देखिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा।
नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल हो चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और भी बहुत जगह पर अवेलेबल है जहाँ से आप देखिए। मुझे यकीन है कि मूवी शायद आपको अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है और हटके बनाई गई है, जो कि इस तरह की कहानी हमें पहले भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है, पर यहाँ पर विजय सेतुपति है तो उनकी बात अलग ही है। और विजय सेतुपति काफ़ी कमाल का एक्टर भी है, इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी शानदार रहती है। तो कुल मिलाकर एक कहाँ कमाल की मूवी बनी है, तो इस मूवी को आप लोग देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको शायद मूवी अच्छी लगेंगी। और आने वाले टाइम में इस मूवी को शायद यूट्यूब पर रिलीज़ किया जा सकता है, क्योंकि मूवी का जो बैनर था वो सन टीवी था, तो सन टीवी की मूवी शायद हमें यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप सभी लोग हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस मूवी का जो टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को स्टार गोल्ड पर देखने को मिलता रहेगा, तो आप चाहे तो इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर साउथ की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से करते आ रहे थे। मूवी का नाम है DSP। अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर, तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आप भी विजय सेतुपति के फ़ैन हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इस मूवी की जो कहानी है वो क्या है, और साथ ही में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलिए जानते हैं मूवी के बारे में और मूवी की कहानी क्या है, कहां पर उपलब्ध है, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। तो DSP मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था तमिल भाषा में, पर जब ये मूवी रिलीज़ हुई OTT के ऊपर, तब इस मूवी को हिंदी के अंदर भी रिलीज़ किया गया। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है कि अब जो नेटफ्लिक्स है वो भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो कि हमें दे रहा हिंदी के अंदर, और कुछ टाइम पहले इन्होंने जो है ट्वीट भी की थी कि वे लोग जो है वो हिंदी में भी कंटेंट देंगे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप रही थी, तो दोस्तों इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 11 करोड़ का हुआ था, जो कि एक एवरेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही थी। तो यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि मूवी फ्लॉप रही तो बेकार रहेंगी, क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सारी मूवीज़ होती है जो कि फ्लॉप हो जाती है, पर हिंदी ऑडियंस को वो मूवी काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी है, आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप हमें जो है वो कमेंट कर कर बताइएगा। अगर हम बात कर लेते हैं मूवी के बारे में कि कहाँ पर मूवी देखने को मिलेंगी, तो वैसे ये मूवी अभी के लिए नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स से हिंदी में देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स है वहाँ पर आपको मिलेंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, और इनके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। चलिए बात करते हैं मूवी की रेटिंग के बारे में, तो जो IMDB रेटिंग थी वहाँ पर 10 में से 3.5 की रेटिंग मिली थी, जो कि एक बहुत ही कम रेटिंग कहलाती है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2 स्टार मिले थे, और जो तमिल मूवीज़ है जो कि रिव्यूज़ करते हैं तमिल मूवीज़ के, उन्होंने भी इस मूवी को 2 स्टार दिए थे, और 65% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था गूगल की तरफ से। तो यहाँ पर आप इस मूवी की रेटिंग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की जो स्टोरी लाइन और मूवी जो है एवरेज है, पर मेरी माने तो आप रेटिंग पर मत जाएँ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जिनकी रेटिंग कम मिलती है पर वो मूवीज़ ब्लॉकबस्टर बन जाती है, जैसे कि भाग्य 3। इस मूवी को डायरेक्ट किया था पोंडराम ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी मूवीज़ बनाई है, जैसे कि सीमा राजा। इसके अलावा भी इन्होंने जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ दी हुई है, इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रहती है और हटके रहती है, तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि जो सभी डायरेक्टर हैं उनकी सभी मूवीज़ हमेशा हिट ही जाए, कुछ मूवीज़ फ्लॉप भी जा सकती है। चलिए जानते हैं हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या इस मूवी की कहानी है, कहाँ पर हमें ये मूवी देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों जो मूवी की कहानी है वो एक अमेजिंग है और इंटरेस्टिंग है, कुछ नया आपको इस मूवी के अंदर वापस देखने को मिलेगा। मुझे दोस्तों यह मूवी जो थी वो एक वॉचेबल लगी, आप इस मूवी को देखिए, आपको यह मूवी जो है वो कैसी लगती है मुझे आप बताइएगा। आप सभी लोग हमें दोस्तों फॉलो कर सकते हैं, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जो है वो जानकारी मिलती रहेंगी, तो हो सके तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। अगर आपको इस मूवी से कोई और शिकायत या फिर और कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को जो है वो बता दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी इस मूवी की क्या है। तो वैसे दोस्तों कहानी इस मूवी की काफ़ी सिंपल रहती है, पर इससे पहले हमें इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में जानना होगा। तो इस मूवी के अंदर जो विजय सेतुपति है, इसके अलावा शिवानी नारायण भी है, अनुकीर्ति वास है, प्रभाकर है, फुगा झा है, दीपा शंकर,
और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे सरकास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, पृथ्वीराजन, गजराज, लिंगा, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार भी मूवी के अंदर हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। कुल मिलाकर ये एक वॉचेबल मूवी है। अगर हम बात करें कि मूवी की जो कहानी हो किस प्रकार की है, तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप लोग कॉमेडी एक्शन टाइप मूवीज़ देखते हैं तो इसे आप देख सकते हैं, ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी। मूवी के अंदर आपको थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलता है। तो होता कुछ यूँ है कि एक गुंडा होता है, उनके साथ झगड़ने के कारण अपने परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद एक व्यक्ति जो होता है वो बदल लेने के लिए अपने गुहनगर के DSP के रूप में लौटता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ होता यूँ है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जिनके साथ कभी कुछ बुरा होता है तो बदला कुछ बन के दिखाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी मूवी का जो हीरो होता है उसके साथ बहुत पहले कुछ गलत हुआ था, बहुत बुरा हुआ था, फिर वो जो DSP बन जाता है और कैसे सबके वार्ड लगाता है वो आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका यही सवाल रहेगा, क्या ये वो रियल DSP है या फिर फेंक? तो आप इस मूवी को देखिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल हो चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और भी बहुत जगह पर अवेलेबल है जहाँ से आप देखिए। मुझे यकीन है कि मूवी शायद आपको अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है और हटके बनाई गई है, जो कि इस तरह की कहानी हमें पहले भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है, पर यहाँ पर विजय सेतुपति है तो उनकी बात अलग ही है। और विजय सेतुपति काफ़ी कमाल के एक्टर भी हैं, इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी शानदार रहती है। तो कुल मिलाकर एक कमाल की मूवी बनी है, तो इस मूवी को आप लोग देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको शायद मूवी अच्छी लगेंगी। और आने वाले टाइम में इस मूवी को शायद यूट्यूब पर रिलीज़ किया जा सकता है, क्योंकि मूवी का जो बैनर था वो सन टीवी था, तो सन टीवीज़ की मूवी शायद हमें यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप सभी लोग हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस मूवी का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो आप सभी को स्टार गोल्ड पर देखने को मिलता रहेगा, तो आप चाहे तो इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर साउथ की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से करते आ रहे थे। मूवी का नाम है DSP। अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर, तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आप भी विजय सेतुपति के फ़ैन हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इस मूवी की जो कहानी है वो क्या है, और साथ ही में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलिए जानते हैं मूवी के बारे में और मूवी की कहानी क्या है, कहां पर उपलब्ध है, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। तो DSP मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था तमिल भाषा में, पर जब ये मूवी रिलीज़ हुई OTT के ऊपर तब इस मूवी को हिंदी के अंदर भी रिलीज़ किया गया। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है कि अब जो नेटफ्लिक्स है वो भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो कि हमें दे रहा हिंदी के अंदर, और कुछ टाइम पहले इन्होंने जो है ट्वीट भी की थी कि वे लोग जो है वो हिंदी में भी कंटेंट देंगे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप रही थी, तो दोस्तों इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 11 करोड़ का हुआ था, जो कि एक एवरेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही थी। तो यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि मूवी फ्लॉप रही तो बेकार रहेंगी, क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सारी मूवीज़ होती है जो कि फ्लॉप हो जाती है, पर हिंदी ऑडियंस को वो मूवी काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी है। आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप हमें जो है वो कमेंट कर कर बताइएगा। अगर हम बात कर लेते हैं मूवी के बारे में कि कहाँ पर मूवी देखने को मिलेंगी, तो वैसे ये मूवी अभी के लिए नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स से हिंदी में देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स है वहाँ पर आपको मिलेंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, और इनके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। चलिए बात करते हैं मूवी की रेटिंग के बारे में। तो जो IMDB रेटिंग थी वहाँ पर 10 में से 3.5 की रेटिंग मिली थी, जो कि एक बहुत ही कम रेटिंग कहलाती है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2 स्टार मिले थे, और जो तमिल मूवीज़ है जो कि रिव्यूज़ करते हैं तमिल मूवीज़ के, उन्होंने भी इस मूवी को 2 स्टार दिए थे, और 65% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था गूगल की तरफ से। तो यहाँ पर आप इस मूवी की रेटिंग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की जो स्टोरी लाइन और मूवी जो है एवरेज है, पर मेरी माने तो आप रेटिंग पर मत जाएँ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मूवीज है जिनकी रेटिंग कम मिलती है पर वो मूवीज़ ब्लॉकबस्टर बन जाती है, जैसे कि भाग्य 3। इस मूवी को डायरेक्ट किया था पोन राम ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी मूवीज़ बनाई है, जैसे कि सीमा राजा। इसके अलावा भी इन्होंने जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ दी हुई हैं, इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रहती है और हटके रहती है, तो वो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। पर
पर ज़रूरी नहीं है कि जो सभी डायरेक्टर हैं उनकी सभी मूवीज हमेशा हिट ही जाए, कुछ मूवीज फ्लॉप भी जा सकती है। चलिए जानते हैं हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या इस मूवी की कहानी है, कहाँ पर हमें यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों जो मूवी की कहानी है वो एक अमेजिंग है और इंटरेस्टिंग है, कुछ नया आपको इस मूवी के अंदर वापस देखने को मिलेगा। मुझे दोस्तों यह मूवी जो थी वो एक वॉचेबल लगी। आप इस मूवी को देखिए, आपको यह मूवी जो है वो कैसी लगती है मुझे आप बताइएगा। आप सभी लोग हमें दोस्तों फॉलो कर सकते हैं, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जो है वो जानकारी मिलती रहेंगी। तो हो सके तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। अगर आपको इस मूवी से कोई और शिकायत या फिर और कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को जो है वो बता दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी इस मूवी की क्या है। तो वैसे दोस्तों कहानी इस मूवी की काफ़ी सिंपल रहती है, पर इससे पहले हमें इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में जानना होगा। तो इस मूवी के अंदर जो विजय सेतुपति है, इसके अलावा शिवानी नारायण भी है, अनुकीर्ति वास है, प्रभाकर है, पुगजा है, दीपा शंकर, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। पृथ्वीराजन, गजराज, लिंगा, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार भी मूवी के अंदर हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। कुल मिलाकर ये एक वॉचेबल मूवी है। अगर हम बात करें कि मूवी की जो कहानी हो किस प्रकार की है, तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप लोग कॉमेडी एक्शन टाइप मूवीज़ देखते हैं तो इसे आप देख सकते हैं, ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी। मूवी के अंदर आपको थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलता है। तो होता कुछ यूँ है कि एक गुंडा होता है, उनके साथ झगड़ने के कारण अपने परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद एक व्यक्ति जो होता है बदल लेने के लिए अपने गुहनगर के DSP के रूप में लौटता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ होता यूँ है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जिनके साथ कभी कुछ बुरा होता है तो बदला कुछ बन के दिखाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी मूवी का जो हीरो होता है उसके साथ बहुत पहले कुछ गलत हुआ था, बहुत बुरा हुआ था, फिर वो जो DSP बन जाता है और कैसे सबके वार्ड लगाता है वो आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका यही सवाल रहेगा क्या ये वो रियल DSP है या फिर फेंक। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल हो चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और भी बहुत जगह पर अवेलेबल है जहाँ से आप देखिए। मुझे यकीन है कि मूवी शायद आपको अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है और हटके बनाई गई है, जो कि इस तरह की कहानी हमें पहले भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है, पर यहाँ पर विजय सेतुपति है तो उनकी बात अलग ही है। और विजय सेतुपति काफ़ी कमाल के एक्टर भी हैं, इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी शानदार रहती है। तो कुल मिलाकर एक कमाल की मूवी बनी है। तो इस मूवी को आप लोग देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको शायद मूवी अच्छी लगेंगी। और आने वाले टाइम में इस मूवी को शायद यूट्यूब पर रिलीज़ किया जा सकता है, क्योंकि मूवी का जो बैनर था वो सन टीवी था, तो सन टीवीज़ की मूवी शायद हमें यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप सभी लोग हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस मूवी का जो टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को स्टार गोल्ड पर देखने को मिलता रहेगा, तो आप चाहे तो इस मूवी को TV पर भी देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर साउथ की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से करते आ रहे थे। मूवी का नाम है DSP। अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आप भी विजय सेतुपति के फ़ैन हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इस मूवी की जो कहानी है वो क्या है, और साथ ही मैं इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलिए जानते हैं मूवी के बारे में और मूवी की कहानी क्या है, कहां पर उपलब्ध है, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। तो DSP मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था तमिल भाषा में, पर जब ये मूवी रिलीज़ हुई OTT के ऊपर तब इस मूवी को हिंदी के अंदर भी रिलीज़ किया गया। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है कि अब जो नेटफ्लिक्स है वो भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो कि हमें दे रहा हिंदी के अंदर, और कुछ टाइम पहले इन्होंने जो है ट्वीट भी की थी कि वे लोग जो है वो हिंदी में भी कंटेंट देंगे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप रही थी, तो दोस्तों इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 11 करोड़ का हुआ था, जो कि एक एवरेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही थी। तो यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि मूवी फ्लॉप रही तो बेकार रहेंगी, क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सारी मूवीज़ होती है जो कि फ्लॉप हो जाती है, पर हिंदी ऑडियंस को वो मूवी काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी है। आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप हमें जो है वो कमेंट कर कर बताइएगा। अगर हम बात कर लेते हैं मूवी के बारे में कि कहाँ पर मूवी देखने को मिलेंगी, तो वैसे ये मूवी अभी के लिए नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स से हिंदी में देख सकते हैं।
इसके अलावा यह मूवी काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स है वहाँ पर आपको मिलेंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है और इनके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। चलिए बात करते हैं मूवी की रेटिंग के बारे में। तो जो IMDb रेटिंग थी वहाँ पर 10 में से 3.5 की रेटिंग मिली थी, जो कि एक बहुत ही कम रेटिंग कहलाती है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2 स्टार मिले थे, और जो तमिल मूवीज़ है जो कि रिव्यूज़ करते हैं तमिल मूवीज़ के, उन्होंने भी इस मूवी को 2 स्टार दिए थे। और 65% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था गूगल की तरफ से। तो यहाँ पर आप इस मूवी की रेटिंग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की जो स्टोरी लाइन और मूवी जो है एवरेज है, पर मेरी माने तो आप रेटिंग पर मत जाए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मूवीज है जिनकी रेटिंग कम मिलती है पर वो मूवीज़ ब्लॉकबस्टर बन जाती है, जैसे कि भाग्य 3। इस मूवी को डायरेक्ट किया था पोन राम ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी मूवीज़ बनाई है, जैसे कि सीमा राजा। इसके अलावा भी इन्होंने जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ दी हुई हैं। इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रहती है और हट के रहती है, तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि जो सभी डायरेक्टर हैं उनकी सभी मूवीज़ हमेशा हिट ही जाए, कुछ मूवीज़ फ्लॉप भी जा सकती है। चलिए जानते हैं हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या इस मूवी की कहानी है, कहां पर हमें यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों जो मूवी की कहानी है वो एक अमेजिंग है और इंटरेस्टिंग है, कुछ नया आपको इस मूवी के अंदर वापस देखने को मिलेगा। मुझे दोस्तों यह मूवी जो थी वो एक वॉचेबल लगी। आप इस मूवी को देखिए, आपको यह मूवी जो है वो कैसी लगती है मुझे आप बताइएगा। आप सभी लोग हमें दोस्तों फॉलो कर सकते हैं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जो है वो जानकारी मिलती रहेंगी, तो हो सके तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। अगर आपको इस मूवी से कोई और शिकायत या फिर और कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को जो है वो बता दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी इस मूवी की क्या है। तो वैसे दोस्तों कहानी इस मूवी की काफ़ी सिंपल रहती है, पर इससे पहले हमें इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में जानना होगा। तो इस मूवी के अंदर जो विजय सेतुपति है, इसके अलावा शिवानी नारायण भी है, अनुकीर्ति वास है, प्रभाकर है, पुगा झा है, दीपा शंकर, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। पृथ्वीराजन, गजराज, लिंगा, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार भी मूवी के अंदर हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। कुल मिलाकर यह एक वॉचेबल मूवी है। अगर हम बात करें कि मूवी की जो कहानी हो किस प्रकार की है, तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप लोग कॉमेडी एक्शन टाइप मूवीज़ देखते हैं तो इसे आप देख सकते हैं, यह मूवी आपको अच्छी लगेंगी। मूवी के अंदर आपको थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलता है। तो होता कुछ यूँ है कि एक गुंडा होता है, उनके साथ झगड़ने के कारण अपने परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद एक व्यक्ति जो होता है बदल लेने के लिए अपने गुहनगर के DSP के रूप में लौटता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ होता यूँ है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जिनके साथ कभी कुछ बुरा होता है तो बदला कुछ बन के दिखाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी मूवी का जो हीरो होता है उसके साथ बहुत पहले कुछ गलत हुआ था, बहुत बुरा हुआ था, फिर वो जो DSP बन जाता है और कैसे सबके वार्ड लगाता है वो आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका यही सवाल रहेगा, क्या ये वो रियल DSP है या फिर फेंक? तो आप इस मूवी को देखिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल हो चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और भी बहुत जगह पर अवेलेबल है जहाँ से आप देखिए। मुझे यकीन है कि मूवी शायद आपको अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है और हटके बनाई गई है, जो कि इस तरह की कहानी हमें पहले भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है, पर यहाँ पर विजय सेतुपति है तो उनकी बात अलग ही है। और विजय सेतुपति काफ़ी कमाल के एक्टर भी हैं, इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी शानदार रहती है। तो कुल मिलाकर एक कमाल की मूवी बनी है। तो इस मूवी को आप लोग देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको शायद मूवी अच्छी लगेंगी। और आने वाले टाइम में इस मूवी को शायद यूट्यूब रिलीज़ किया जा सकता है, क्योंकि मूवी का जो बैनर था वो Sun TV था, तो Sun TV की मूवी शायद हमें यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप सभी लोग हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस मूवी का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो आप सभी को स्टार गोल्ड पर देखने को मिलता रहेगा, तो आप चाहे तो इस मूवी को TV पर भी देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर साउथ की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से करते आ रहे थे। मूवी का नाम है DSP। अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आप भी विजय सेतुपति के फ़ैन हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इस मूवी की जो कहानी है वो क्या है, और साथ ही में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलिए जानते हैं मूवी के बारे में।
और मूवी की कहानी क्या है, कहाँ पर उपलब्ध है, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। तो डीएसपी मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था तमिल भाषा में, पर जब ये मूवी रिलीज़ हुई ओटीटी के ऊपर तब इस मूवी को हिंदी के अंदर भी रिलीज़ किया गया। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है कि अब जो नेटफ्लिक्स है वो भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो कि हमें दे रहा हिंदी के अंदर। और कुछ टाइम पहले इन्होंने जो है ट्वीट भी की थी कि वे लोग जो है वो हिंदी में भी कंटेंट देंगे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप रही थी, तो दोस्तों इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 11 करोड़ का हुआ था, जो कि एक एवरेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही थी, तो यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि मूवी फ्लॉप रही तो बेकार रहेंगी, क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सारी मूवीज़ होती है जो कि फ्लॉप हो जाती है, पर हिंदी ऑडियंस को वो मूवी काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी है। आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप हमें जो है वो कमेंट कर कर बताइएगा। अगर हम बात कर लेते हैं मूवी के बारे में कि कहाँ पर मूवी देखने को मिलेंगी, तो वैसे ये मूवी अभी के लिए नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स से हिंदी में देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स है वहाँ पर आपको मिलेंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है और इनके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। चलिए बात करते हैं मूवी की रेटिंग के बारे में, तो जो IMDB रेटिंग थी वहाँ पर 10 में से 3.5 की रेटिंग मिली थी, जो कि एक बहुत ही कम रेटिंग कहलाती है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2 स्टार मिले थे, और जो तमिल मूवीज़ है जो कि रिव्यूज़ करते हैं तमिल मूवीज़ के, उन्होंने भी इस मूवी को 2 स्टार दिए थे। और 65% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था गूगल की तरफ से। तो यहाँ पर आप इस मूवी की रेटिंग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की जो स्टोरी लाइन और मूवी जो है एवरेज है, पर मेरी मानो तो आप रेटिंग पर मत जाएं, क्योंकि तो ऐसे बहुत सारी मूवीज़ है जिनकी रेटिंग कम मिलती है पर वो मूवीज़ ब्लॉकबस्टर बन जाती है, जैसे कि भाग्य 3। इस मूवी को डायरेक्ट किया था पोन राम ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी मूवीज़ बनाई है जैसे कि सीमा राजा। इसके अलावा भी इन्होंने जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ दी हुई हैं, इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रहती है और हट के रहती है, तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि जो सभी डायरेक्टर हैं उनकी सभी मूवीज़ हमेशा हिट ही जाए, कुछ मूवीज़ फ्लॉप भी जा सकती है। चलिए जानते हैं हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या इस मूवी की कहानी है, कहाँ पर हमें यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों जो मूवी की कहानी है वो एक अमेजिंग है और इंटरेस्टिंग है, कुछ नया आपको इस मूवी के अंदर वापस देखने को मिलेगा। मुझे दोस्तों यह मूवी जो थी वो एक वॉचेबल लगी। आप इस मूवी को देखिए, आपको यह मूवी जो है वो कैसी लगती है मुझे आप बताइएगा। आप सभी लोग हमें दोस्तों फॉलो कर सकते हैं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जो है वो जानकारी मिलती रहेंगी, तो हो सके तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। अगर आपको इस मूवी से कोई और शिकायत या फिर और कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को जो है वो बता दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी इस मूवी की क्या है। तो वैसे दोस्तों कहानी इस मूवी की काफ़ी सिंपल रहती है, पर इससे पहले हमें इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में जानना होगा। तो इस मूवी के अंदर जो विजय सेतुपति है, इसके अलावा शिवानी नारायण भी है, अनुकीर्ति वास है, प्रभाकर है, पुगा झा है, दीपा शंकर, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, पृथ्वीराजन, गजराज, लिंगा। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार भी मूवी के अंदर हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। कुल मिलाकर ये एक वॉचेबल मूवी है। अगर हम बात करें कि मूवी की जो कहानी हो किस प्रकार की है, तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप लोग कॉमेडी एक्शन टाइप मूवीज़ देखते हैं तो इसे आप देख सकते हैं, यह मूवी आपको अच्छी लगेंगी। मूवी के अंदर आपको थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलता है। तो होता कुछ यूँ है कि एक गुंडा होता है, उनके साथ झगड़ने के कारण अपने परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद एक व्यक्ति जो होता है बदल लेने के लिए अपने गुहनगर के DSP के रूप में लौटता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ होता यूँ है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जिनके साथ कभी कुछ बुरा होता है तो बदला कुछ बन के दिखाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी मूवी का जो हीरो होता है उसके साथ बहुत पहले कुछ गलत हुआ था, बहुत बुरा हुआ था, फिर वो जो DSP बन जाता है और कैसे सबके वार्ड लगाता है वो आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका यही सवाल रहेगा क्या ये वो रियल DSP है या फिर फेंक, तो आप इस मूवी को देखिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल हो चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और भी बहुत जगह पर अवेलेबल है जहाँ से आप देखिए। मुझे यकीन है कि मूवी शायद आपको अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है और हटके बनाई गई है, जो कि इस तरह की कहानी हमें पहले भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है, पर यहाँ पर
विजय सेतुपति है तो उनकी बात अलग ही है। और विजय सेतुपति काफ़ी कमाल का एक्टर भी है, इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी शानदार रहती है। तो कुल मिलाकर एक कहाँ कमाल की मूवी बनी है, तो इस मूवी को आप लोग देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको शायद मूवी अच्छी लगेंगी। और आने वाले टाइम में इस मूवी को शायद यूट्यूब पर रिलीज़ किया जा सकता है, क्योंकि मूवी का जो बैनर था वो सन टीवी था, तो सन टीवीज़ की मूवी शायद हमें यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस मूवी का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो आप सभी को स्टार गोल्ड पर देखने को मिलता रहेगा, तो आप चाहे तो इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर साउथ की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से करते आ रहे थे। मूवी का नाम है DSP। अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर, तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप भी विजय सेतुपति के फ़ैन हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इस मूवी की जो कहानी है वो क्या है, और साथ ही में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलिए जानते हैं मूवी के बारे में और मूवी की कहानी क्या है, कहाँ पर उपलब्ध है, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। तो DSP मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था तमिल भाषा में, पर जब ये मूवी रिलीज़ हुई OTT के ऊपर, तब इस मूवी को हिंदी के अंदर भी रिलीज़ किया गया। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है कि अब जो नेटफ्लिक्स है वो भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो कि हमें दे रहा हिंदी के अंदर। और कुछ टाइम पहले इन्होंने जो है ट्वीट भी की थी कि वे लोग जो है वो हिंदी में भी कंटेंट देंगे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप रही थी, तो दोस्तों इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 11 करोड़ का हुआ था, जो कि एक एवरेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही थी, तो यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि मूवी फ्लॉप रही तो बेकार रहेंगी, क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सारी मूवीज़ होती है जो कि फ्लॉप हो जाती है, पर हिंदी ऑडियंस को वो मूवी काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी है। आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप हमें जो है वो कमेंट कर कर बताइएगा। अगर हम बात कर लेते हैं मूवी के बारे में कि कहाँ पर मूवी देखने को मिलेंगी, तो वैसे ये मूवी अभी के लिए नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स से हिंदी में देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स है वहाँ पर आपको मिलेंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है और इनके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। चलिए बात करते हैं मूवी की रेटिंग के बारे में। तो जो IMDB रेटिंग थी वहाँ पर 10 में से 3.5 की रेटिंग मिली थी, जो कि एक बहुत ही कम रेटिंग कहलाती है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2 स्टार मिले थे, और जो तमिल मूवीज़ है जो कि रिव्यूज़ करते हैं तमिल मूवीज़ के, उन्होंने भी इस मूवी को 2 स्टार दिए थे। और 65% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था गूगल की तरफ से। तो यहाँ पर आप इस मूवी की रेटिंग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की जो स्टोरी लाइन और मूवी जो है एवरेज है, पर मेरी माने तो आप रेटिंग पर मत जाएँ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मूवीज है जिनकी रेटिंग कम मिलती है पर वो मूवीज़ ब्लॉकबस्टर बन जाती है, जैसे कि भाग्य 3। इस मूवी को डायरेक्ट किया था पोंडराम ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी मूवीज़ बनाई है, जैसे कि सीमा राजा। इसके अलावा भी इन्होंने जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ दी हुई हैं। इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रहती है और हट के रहती है, तो वो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि जो सभी डायरेक्टर हैं उनकी सभी मूवीज़ हमेशा हिट ही जाए, कुछ मूवीज़ फ्लॉप भी जा सकती है। चलिए जानते हैं हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या इस मूवी की कहानी है, कहाँ पर हमें यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों जो मूवी की कहानी है वो एक अमेजिंग है और इंटरेस्टिंग है, कुछ नया आपको इस मूवी के अंदर वापस देखने को मिलेगा। मुझे दोस्तों यह मूवी जो थी वो एक वॉचेबल लगी। आप इस मूवी को देखिए, आपको यह मूवी जो है वो कैसी लगती है मुझे आप बताइएगा। आप सभी लोग हमें दोस्तों फॉलो कर सकते हैं, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जो है वो जानकारी मिलती रहेंगी, तो हो सके तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। अगर आपको इस मूवी से कोई और शिकायत या फिर और कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को जो है वो बता दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी इस मूवी की क्या है। तो वैसे दोस्तों कहानी इस मूवी की काफ़ी सिंपल रहती है, पर इससे पहले हमें इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में जानना होगा। तो इस मूवी के अंदर जो विजय सेतुपति है, इसके अलावा शिवानी नारायण भी है, अनुकीर्ति वास है, प्रभाकर है, पुगजा है, दीपा शंकर, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, पृथ्वीराजन, गजराज, लिंगा। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार भी मूवी के अंदर हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। कुल मिलाकर ये एक वॉचेबल मूवी है,
अगर हम बात करें कि मूवी की जो कहानी है वो किस प्रकार की है, तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप लोग कॉमेडी एक्शन टाइप मूवीज़ देखते हैं तो इसे आप देख सकते हैं, ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी। मूवी के अंदर आपको थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलता है। तो होता कुछ यूँ है कि एक गुंडा होता है, उनके साथ झगड़ने के कारण अपने परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद एक व्यक्ति जो होता है बदल लेने के लिए अपने गुहनगर के DSP के रूप में लौटता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ होता यूँ है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जिनके साथ कभी कुछ बुरा होता है, तो बदला कुछ बन के दिखाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी मूवी का जो हीरो होता है उसके साथ बहुत पहले कुछ गलत हुआ था, बहुत बुरा हुआ था, फिर वो जो DSP बन जाता है और कैसे सबके वार्ड लगाता है वो आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका यही सवाल रहेगा क्या ये वो रियल DSP है या फिर फेंक। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल हो चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और भी बहुत जगह पर अवेलेबल है जहाँ से आप देखिए। मुझे यकीन है कि मूवी शायद आपको अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है और हटके बनाई गई है, जो कि इस तरह की कहानी हमें पहले भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है, पर यहाँ पर विजय सेतुपति है तो उनकी बात अलग ही है। और विजय सेतुपति काफ़ी कमाल के एक्टर भी हैं, इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी शानदार रहती है। तो कुल मिलाकर एक कमाल की मूवी बनी है। तो इस मूवी को आप लोग देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको शायद मूवी अच्छी लगेंगी। और आने वाले टाइम में इस मूवी को शायद यूट्यूब पर रिलीज़ किया जा सकता है, क्योंकि मूवी का जो बैनर था वो सन टीवी था, तो सन टीवीज़ की मूवी शायद हमें यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप सभी लोग हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस मूवी का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो आप सभी को स्टार गोल्ड पर देखने को मिलता रहेगा, तो आप चाहे तो इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर साउथ की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से करते आ रहे थे। मूवी का नाम है DSP। अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर, तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आप भी विजय सेतुपति के फ़ैन हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इस मूवी की जो कहानी है वो क्या है, और साथ ही मैं इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलिए जानते हैं मूवी के बारे में और मूवी की कहानी क्या है, कहां पर उपलब्ध है, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। तो DSP मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था तमिल भाषा में, पर जब ये मूवी रिलीज़ हुई OTT के ऊपर तब इस मूवी को हिंदी के अंदर भी रिलीज़ किया गया। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है कि अब जो नेटफ्लिक्स है वो भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो कि हमें दे रहा हिंदी के अंदर, और कुछ टाइम पहले इन्होंने जो है ट्वीट भी की थी कि वे लोग जो है वो हिंदी में भी कंटेंट देंगे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप रही थी, तो दोस्तों इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 11 करोड़ का हुआ था, जो कि एक एवरेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही थी। तो यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि मूवी फ्लॉप रही तो बेकार रहेंगी, क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सारी मूवीज़ होती है जो कि फ्लॉप हो जाती है, पर हिंदी ऑडियंस को वो मूवी काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी है। आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप हमें जो है वो कमेंट कर कर बताइएगा। अगर हम बात कर लेते हैं मूवी के बारे में कि कहाँ पर मूवी देखने को मिलेंगी, तो वैसे ये मूवी अभी के लिए नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स से हिंदी में देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स है वहाँ पर आपको मिलेंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, और इनके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। चलिए बात करते हैं मूवी की रेटिंग के बारे में। तो जो IMDB रेटिंग थी वहाँ पर 10 में से 3.5 की रेटिंग मिली थी, जो कि एक बहुत ही कम रेटिंग कहलाती है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2 स्टार मिले थे, और जो तमिल मूवीज़ है जो कि रिव्यूज़ करते हैं तमिल मूवीज़ के, उन्होंने भी इस मूवी को 2 स्टार दिए थे, और 65% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था गूगल की तरफ से। तो यहाँ पर आप इस मूवी की रेटिंग देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की जो स्टोरी लाइन और मूवी जो है एवरेज है, पर मेरी माने तो आप रेटिंग पर मत जाएं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मूवीज है जिनकी रेटिंग कम मिलती है पर वो मूवीज़ ब्लॉकबस्टर बन जाती है, जैसे कि भाग्य 3। इस मूवी को डायरेक्ट किया था पोन राम ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी मूवीज़ बनाई है, जैसे कि सीमा राजा। इसके अलावा भी इन्होंने जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ दी हुई हैं, इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रहती है और हटके रहती है, तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि जो सभी डायरेक्टर हैं उनकी सभी मूवीज़ हमेशा हिट ही जाए, कुछ मूवीज़ फ्लॉप भी जा सकती है। चलिए जानते हैं हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या इस मूवी की कहानी है, कहाँ पर हमें यह मूवी देखने को मिलेंगी।
तो वैसे दोस्तों जो मूवी की कहानी है वो एक अमेजिंग है और इंटरेस्टिंग है। कुछ नया आपको इस मूवी के अंदर वापस देखने को मिलेगा। मुझे दोस्तों यह मूवी जो थी वो एक वॉचेबल लगी। आप इस मूवी को देखिए, आपको यह मूवी जो है वो कैसी लगती है मुझे आप बताइएगा। आप सभी लोग हमें दोस्तों फॉलो कर सकते हैं, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जो है वो जानकारी मिलती रहेंगी। तो हो सके तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। अगर आपको इस मूवी से कोई और शिकायत या फिर और कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को जो है वो बता दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी इस मूवी की क्या है। तो वैसे दोस्तों कहानी इस मूवी की काफ़ी सिंपल रहती है, पर इससे पहले हमें इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में जानना होगा। तो इस मूवी के अंदर जो विजय सेतुपति है, इसके अलावा शिवानी नारायण भी है, अनुकीर्ति वास है, प्रभाकर है, पुगा झा है, दीपा शंकर, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। पृथ्वीराजन, गजराज, लिंगा, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार भी मूवी के अंदर हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। कुल मिलाकर यह एक वॉचेबल मूवी है। अगर हम बात करें कि मूवी की जो कहानी हो किस प्रकार की है, तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप लोग कॉमेडी एक्शन टाइप मूवीज़ देखते हैं तो इसे आप देख सकते हैं, यह मूवी आपको अच्छी लगेंगी। मूवी के अंदर आपको थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलता है। तो होता कुछ यूँ है कि एक गुंडा होता है, उनके साथ झगड़ने के कारण अपने परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद एक व्यक्ति जो होता है बदल लेने के लिए अपने गुहनगर के DSP के रूप में लौटता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ होता यूँ है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जिनके साथ कभी कुछ बुरा होता है तो बदला कुछ बन के दिखाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी मूवी का जो हीरो होता है उसके साथ बहुत पहले कुछ गलत हुआ था, बहुत बुरा हुआ था, फिर वो जो DSP बन जाता है और कैसे सबके वार्ड लगाता है वो आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका यही सवाल रहेगा, क्या ये वो रियल DSP है या फिर फेंक? तो आप इस मूवी को देखिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल हो चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और भी बहुत जगह पर अवेलेबल है जहाँ से आप देखिए। मुझे यकीन है कि मूवी शायद आपको अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है और हटके बनाई गई है, जो कि इस तरह की कहानी हमें पहले भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है, पर यहाँ पर विजय सेतुपति है तो उनकी बात अलग ही है। और विजय सेतुपति काफ़ी कमाल के एक्टर भी हैं, इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी शानदार रहती है। तो कुल मिलाकर एक कमाल की मूवी बनी है। तो इस मूवी को आप लोग देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको शायद मूवी अच्छी लगेंगी। और आने वाले टाइम में इस मूवी को शायद यूट्यूब रिलीज़ किया जा सकता है, क्योंकि मूवी का जो बैनर था वो सन टीवी था, तो सन टीवी की मूवी शायद हमें यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप सभी लोग हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस मूवी का जो टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को स्टार गोल्ड पर देखने को मिलता रहेगा, तो आप चाहे तो इस मूवी को TV पर भी देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर साउथ की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से करते आ रहे थे। मूवी का नाम है DSP। अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर, तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आप भी विजय सेतुपति के फ़ैन हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इस मूवी की जो कहानी है वो क्या है, और साथ ही में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलिए जानते हैं मूवी के बारे में और मूवी की कहानी क्या है, कहां पर उपलब्ध है, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। तो DSP मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था तमिल भाषा में, पर जब ये मूवी रिलीज़ हुई OTT के ऊपर तब इस मूवी को हिंदी के अंदर भी रिलीज़ किया गया। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है कि अब जो नेटफ्लिक्स है वो भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो कि हमें दे रहा हिंदी के अंदर, और कुछ टाइम पहले इन्होंने जो है ट्वीट भी की थी कि वे लोग जो है वो हिंदी में भी कंटेंट देंगे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप रही थी, तो दोस्तों इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 11 करोड़ का हुआ था, जो कि एक एवरेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही थी। तो यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि मूवी फ्लॉप रही तो बेकार रहेंगी, क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सारी मूवीज़ होती है जो कि फ्लॉप हो जाती है, पर हिंदी ऑडियंस को वो मूवी काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी है। आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप हमें जो है वो कमेंट कर कर बताइएगा। अगर हम बात कर लेते हैं मूवी के बारे में कि कहाँ पर मूवी देखने को मिलेंगी, तो वैसे ये मूवी अभी के लिए नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स से हिंदी में देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स है वहाँ पर आपको मिलेंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, और इनके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं।
चलिए बात करते हैं मूवी की रेटिंग के बारे में। तो जो IMDB रेटिंग थी वहाँ पर 10 में से 3.5 की रेटिंग मिली थी, जो कि एक बहुत ही कम रेटिंग कहलाती है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2 स्टार मिले थे, और जो तमिल मूवीज़ है जो कि रिव्यूज़ करते हैं तमिल मूवीज़ के, उन्होंने भी इस मूवी को 2 स्टार दिए थे। और 65% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था गूगल की तरफ से। तो यहाँ पर आप इस मूवी की रेटिंग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की जो स्टोरी लाइन और मूवी जो है एवरेज है। पर मेरी मानो तो आप रेटिंग पर मत जाएं, क्योंकि ऐसे बहुत सारी मूवीज़ है जिनकी रेटिंग कम मिलती है पर वो मूवीज़ ब्लॉकबास्टर बन जाती है, जैसे कि भाग्य 3। इस मूवी को डायरेक्ट किया था पोन राम ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी मूवीज़ बनाई है, जैसे कि सीमा राजा। इसके अलावा भी इन्होंने जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ दी हुई हैं। इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रहती है और हट के रहती है, तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि जो सभी डायरेक्टर हैं उनकी सभी मूवीज़ हमेशा हिट ही जाए, कुछ मूवीज़ फ्लॉप भी जा सकती है। चलिए जानते हैं हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या इस मूवी की कहानी है, कहाँ पर हमें ये मूवी देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों जो मूवी की कहानी है वो एक अमेजिंग है और इंटरेस्टिंग है, कुछ नया आपको इस मूवी के अंदर वापस देखने को मिलेगा। मुझे दोस्तों यह मूवी जो थी वो एक वॉचेबल लगी। आप इस मूवी को देखिए, आपको यह मूवी जो है वो कैसी लगती है मुझे आप बताइएगा। आप सभी लोग हमें दोस्तों फॉलो कर सकते हैं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जो है वो जानकारी मिलती रहेंगी। तो हो सके तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। अगर आपको इस मूवी से कोई और शिकायत या फिर और कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को जो है वो बता दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी इस मूवी की क्या है। तो वैसे दोस्तों कहानी इस मूवी की काफ़ी सिंपल रहती है, पर इससे पहले हमें इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में जानना होगा। तो इस मूवी के अंदर जो विजय सेतुपति है, इसके अलावा शिवानी नारायण भी है, अनुकीर्ति वास है, प्रभाकर है, पुगा झा है, दीपा शंकर, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। पृथ्वीराजन, गजराज, लिंगा, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार भी मूवी के अंदर हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। कुल मिलाकर ये एक वॉचेबल मूवी है। अगर हम बात करें कि मूवी की जो कहानी हो किस प्रकार की है, तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप लोग कॉमेडी एक्शन टाइप मूवीज़ देखते हैं तो इसे आप देख सकते हैं, ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी। मूवी के अंदर आपको थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलता है। तो होता कुछ यूँ है कि एक गुंडा होता है, उनके साथ झगड़ने के कारण अपने परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद एक व्यक्ति जो होता है बदल लेने के लिए अपने गुहनगर के DSP के रूप में लौटता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ होता यूँ है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जिनके साथ कभी कुछ बुरा होता है तो बदला कुछ बन के दिखाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी मूवी का जो हीरो होता है उसके साथ बहुत पहले कुछ गलत हुआ था, बहुत बुरा हुआ था, फिर वो जो DSP बन जाता है और कैसे सबके वार्ड लगाता है वो आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका यही सवाल रहेगा क्या ये वो रियल DSP है या फिर फेंक। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल हो चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और भी बहुत जगह पर अवेलेबल है जहाँ से आप देखिए। मुझे यकीन है कि मूवी शायद आपको अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है और हटके बनाई गई है, जो कि इस तरह की कहानी हमें पहले भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है। पर यहाँ पर विजय सेतुपति है तो उनकी बात अलग ही है, और विजय सेतुपति काफ़ी कमाल के एक्टर भी हैं, इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी शानदार रहती है। तो कुल मिलाकर एक कमाल की मूवी बनी है। तो इस मूवी को आप लोग देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको शायद मूवी अच्छी लगेंगी। और आने वाले टाइम में इस मूवी को शायद यूट्यूब पर रिलीज़ किया जा सकता है, क्योंकि मूवी का जो बैनर था वो Sun TV था, तो Sun TV की मूवी शायद हमें यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस मूवी का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो आप सभी को स्टार गोल्ड पर देखने को मिलता रहेगा, तो आप चाहे तो इस मूवी को TV पर भी देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर साउथ की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से करते आ रहे थे। मूवी का नाम है DSP। अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर, तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आप भी विजय सेतुपति के फ़ैन हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इस मूवी की जो कहानी है वो क्या है, और साथ ही में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलिए जानते हैं मूवी के बारे में और मूवी की कहानी क्या है, कहां पर उपलब्ध है, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। तो DSP मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था तमिल भाषा में, पर जब ये मूवी रिलीज़ हुई OTT के ऊपर तभी इस मूवी को हिंदी के अंदर भी रिलीज़ किया गया।
दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है कि अब जो नेटफ्लिक्स है वो भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो कि हमें दे रहा हिंदी के अंदर। और कुछ टाइम पहले इन्होंने जो है ट्वीट भी की थी कि वे लोग जो है वो हिंदी में भी कंटेंट देंगे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप रही थी, तो दोस्तों इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 11 करोड़ का हुआ था, जो कि एक एवरेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही थी, तो यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि मूवी फ्लॉप रही तो बेकार रहेंगी, क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सारी मूवीज़ होती है जो कि फ्लॉप हो जाती है, पर हिंदी ऑडियंस को वो मूवी काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी है। आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप हमें जो है वो कमेंट कर कर बताइएगा। अगर हम बात कर लेते हैं मूवी के बारे में कि कहाँ पर मूवी देखने को मिलेंगी, तो वैसे ये मूवी अभी के लिए नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स से हिंदी में देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स है वहाँ पर आपको मिलेंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है और इनके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। चलिए बात करते हैं मूवी की रेटिंग के बारे में। तो जो IMDB रेटिंग थी वहाँ पर 10 में से 3.5 की रेटिंग मिली थी, जो कि एक बहुत ही कम रेटिंग कहलाती है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2 स्टार मिले थे, और जो तमिल मूवीज़ है जो कि रिव्यूज़ करते हैं तमिल मूवीज़ के, उन्होंने भी इस मूवी को 2 स्टार दिए थे। और 65% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था गूगल की तरफ से। तो यहाँ पर आप इस मूवी की रेटिंग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की जो स्टोरी लाइन और मूवी जो है एवरेज है, पर मेरी माने तो आप रेटिंग पर मत जाएँ, क्योंकि तो ऐसी बहुत सारी मूवीज है जिनकी रेटिंग कम मिलती है पर वो मूवीज़ ब्लॉकबस्टर बन जाती है, जैसे कि भाग्य 3। इस मूवी को डायरेक्ट किया था पोन राम ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी मूवीज़ बनाई है जैसे कि सीमा राजा। इसके अलावा भी इन्होंने जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ दी हुई हैं। इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रहती है और हटके रहती है, तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि जो सभी डायरेक्टर हैं उनकी सभी मूवीज़ हमेशा हिट ही जाए, कुछ मूवीज़ फ्लॉप भी जा सकती है। चलिए जानते हैं हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या इस मूवी की कहानी है, कहाँ पर हमें यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों जो मूवी की कहानी है वो एक अमेजिंग है और इंटरेस्टिंग है, कुछ नया आपको इस मूवी के अंदर वापस देखने को मिलेगा। मुझे दोस्तों यह मूवी जो थी वो एक वॉचेबल लगी। आप इस मूवी को देखिए, आपको यह मूवी जो है वो कैसी लगती है मुझे आप बताइएगा। आप सभी लोग हमें दोस्तों फॉलो कर सकते हैं, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जो है वो जानकारी मिलती रहेंगी, तो हो सके तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। अगर आपको इस मूवी से कोई और शिकायत या फिर और कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को जो है वो बता दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी इस मूवी की क्या है। तो वैसे दोस्तों कहानी इस मूवी की काफ़ी सिंपल रहती है, पर इससे पहले हमें इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में जानना होगा। तो इस मूवी के अंदर जो विजय सेतुपति है, इसके अलावा शिवानी नारायण भी है, अनुकीर्ति वास है, प्रभाकर है, पुगजा है, दीपा शंकर, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। पृथ्वीराजन, गजराज, लिंगा, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार भी मूवी के अंदर हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। कुल मिलाकर ये एक वॉचेबल मूवी है। अगर हम बात करें कि मूवी की जो कहानी हो किस प्रकार की है, तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप लोग कॉमेडी एक्शन टाइप मूवीज़ देखते हैं तो इसे आप देख सकते हैं, ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी। मूवी के अंदर आपको थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलता है। तो होता कुछ यूँ है कि एक गुंडा होता है, उनके साथ झगड़ने के कारण अपने परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद एक व्यक्ति जो होता है बदल लेने के लिए अपने गुहनगर के DSP के रूप में लौटता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ होता यूँ है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जिनके साथ कभी कुछ बुरा होता है तो बदला कुछ बन के दिखाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी मूवी का जो हीरो होता है उसके साथ बहुत पहले कुछ गलत हुआ था, बहुत बुरा हुआ था, फिर वो जो DSP बन जाता है और कैसे सबके वार्ड लगाता है वो आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका यही सवाल रहेगा क्या ये वो रियल DSP या फिर फेंक, तो आप इस मूवी को देखिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल हो चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और भी बहुत जगह पर अवेलेबल है जहाँ से आप देखिए। मुझे यकीन है कि मूवी शायद आपको अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है और हटके बनाई गई है, जो कि इस तरह की कहानी हमें पहले भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है, पर यहाँ पर विजय सेतुपति है तो उनकी बात अलग ही है। और विजय सेतुपति काफ़ी कमाल के एक्टर भी हैं, इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी शानदार रहती है। तो कुल मिलाकर एक कमाल की मूवी बनी है, तो इस मूवी को आप लोग देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको शायद मूवी अच्छी लगेंगी। और आने वाले टाइम में इस मूवी को शायद यूट्यूब रिलीज़ किया जा सकता है,
क्योंकि ये मूवी का जो बैनर था वो सन टीवी था, तो सन टीवी की मूवी शायद हमें यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप सभी लोग हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस मूवी का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो आप सभी को स्टार गोल्ड पर देखने को मिलता रहेगा, तो आप चाहे तो इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर साउथ की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से करते आ रहे थे। मूवी का नाम है DSP। अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आप भी विजय सेतुपति के फ़ैन हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इस मूवी की जो कहानी है वो क्या है, और साथ ही मैं इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलिए जानते हैं मूवी के बारे में और मूवी की कहानी क्या है, कहां पर उपलब्ध है, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। तो DSP मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था तमिल भाषा में, पर जब ये मूवी रिलीज़ हुई OTT के ऊपर तब इस मूवी को हिंदी के अंदर भी रिलीज़ किया गया। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है कि अब जो नेटफ्लिक्स है वो भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो कि हमें दे रहा हिंदी के अंदर, और कुछ टाइम पहले इन्होंने जो है ट्वीट भी की थी कि वे लोग जो है वो हिंदी में भी कंटेंट देंगे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप रही थी, तो दोस्तों इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 11 करोड़ का हुआ था, जो कि एक एवरेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही थी। तो यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि मूवी फ्लॉप रही तो बेकार रहेंगी, क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सारी मूवीज़ होती है जो कि फ्लॉप हो जाती है, पर हिंदी ऑडियंस को वो मूवी काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी है। आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप हमें जो है वो कमेंट कर कर बताइएगा। अगर हम बात कर लेते हैं मूवी के बारे में कि कहाँ पर मूवी देखने को मिलेंगी, तो वैसे ये मूवी अभी के लिए नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स से हिंदी में देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स है वहाँ पर आपको मिलेंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है और इनके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। चलिए बात करते हैं मूवी की रेटिंग के बारे में। तो जो IMDB रेटिंग थी वहाँ पर 10 में से 3.5 की रेटिंग मिली थी, जो कि एक बहुत ही कम रेटिंग कहलाती है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2 स्टार मिले थे, और जो तमिल मूवीज़ है जो कि रिव्यूज़ करते हैं तमिल मूवीज़ के उन्होंने भी इस मूवी को 2 स्टार दिए थे, और 65% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था गूगल की तरफ से। तो यहाँ पर आप इस मूवी की रेटिंग देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की जो स्टोरी लाइन और मूवी जो है एवरेज है, पर मेरी माने तो आप रेटिंग पर मत जाएँ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मूवीज है जिनकी रेटिंग कम मिलती है पर वो मूवीज़ ब्लॉकबास्टर बन जाती है, जैसे कि भाग्य 3। इस मूवी को डायरेक्ट किया था पोंडराम ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी मूवीज़ बनाई है जैसे कि सीमा राजा। इसके अलावा भी इन्होंने जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ दी हुई हैं। इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रहती है और हटके रहती है, तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि जो सभी डायरेक्टर हैं उनकी सभी मूवीज़ हमेशा हिट ही जाए, कुछ मूवीज़ फ्लॉप भी जा सकती है। चलिए जानते हैं हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या इस मूवी की कहानी है, कहाँ पर हमें यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों जो मूवी की कहानी है वो एक अमेजिंग है और इंटरेस्टिंग है, कुछ नया आपको इस मूवी के अंदर वापस देखने को मिलेगा। मुझे दोस्तों यह मूवी जो थी वो एक वॉचेबल लगी। आप इस मूवी को देखिए, आपको यह मूवी जो है वो कैसी लगती है मुझे आप बताइएगा। आप सभी लोग हमें दोस्तों फॉलो कर सकते हैं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जो है वो जानकारी मिलती रहेंगी, तो हो सके तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। अगर आपको इस मूवी से कोई और शिकायत या फिर और कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को जो है वो बता दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी इस मूवी की क्या है। तो वैसे दोस्तों कहानी इस मूवी की काफ़ी सिंपल रहती है, पर इससे पहले हमें इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में जानना होगा। तो इस मूवी के अंदर जो विजय सेतुपति है, इसके अलावा शिवानी नारायण भी है, अनुकीर्ति वास है, प्रभाकर है, फुग्गा झा है, दीपा शंकर, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, पृथ्वीराजन, गजराज, लिंगा। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार भी मूवी के अंदर हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। कुल मिलाकर ये एक वॉचेबल मूवी है। अगर हम बात करें कि मूवी की जो कहानी हो किस प्रकार की है, तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप लोग कॉमेडी एक्शन टाइप मूवीज़ देखते हैं तो इसे आप देख सकते हैं, ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी। मूवी के अंदर आपको थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलता है,
तो होता कुछ यूँ है कि एक गुंडा होता है, उनके साथ झगड़ने के कारण अपने परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद एक व्यक्ति जो होता है बदल लेने के लिए अपने गुहनगर के DSP के रूप में लौटता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ होता यूँ है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जिनके साथ कभी कुछ बुरा होता है तो बदला कुछ बन के दिखाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी मूवी का जो हीरो होता है उसके साथ बहुत पहले कुछ गलत हुआ था, बहुत बुरा हुआ था, फिर वो जो DSP बन जाता है और कैसे सबके वार्ड लगाता है वो आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका यही सवाल रहेगा क्या ये वो रियल DSP है या फिर फेंक, तो आप इस मूवी को देखिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल हो चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और भी बहुत जगह पर अवेलेबल है जहाँ से आप देखिए। मुझे यकीन है कि मूवी शायद आपको अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है और हटके बनाई गई है, जो कि इस तरह की कहानी हमें पहले भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है, पर यहाँ पर विजय सेतुपति है तो उनकी बात अलग ही है। और विजय सेतुपति काफ़ी कमाल के एक्टर भी हैं, इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी शानदार रहती है। तो कुल मिलाकर एक कमाल की मूवी बनी है, तो इस मूवी को आप लोग देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको शायद मूवी अच्छी लगेंगी। और आने वाले टाइम में इस मूवी को शायद यूट्यूब पर रिलीज़ किया जा सकता है, क्योंकि मूवी का जो बैनर था वो सन टीवी था, तो सन टीवीज़ की मूवी शायद हमें यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप सभी लोग हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस मूवी का जो टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को स्टार गोल्ड पर देखने को मिलता रहेगा, तो आप चाहे तो इस मूवी को TV पर भी देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर साउथ की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से करते आ रहे थे। मूवी का नाम है DSP। अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आप भी विजय सेतुपति के फ़ैन हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इस मूवी की जो कहानी है वो क्या है, और साथ ही में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलिए जानते हैं मूवी के बारे में और मूवी की कहानी क्या है, कहां पर उपलब्ध है, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। तो DSP मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था तमिल भाषा में, पर जब ये मूवी रिलीज़ हुई OTT के ऊपर तब इस मूवी को हिंदी के अंदर भी रिलीज़ किया गया। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है कि अब जो नेटफ्लिक्स है वो भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो कि हमें दे रहा हिंदी के अंदर, और कुछ टाइम पहले इन्होंने जो है ट्वीट भी की थी कि वे लोग जो है वो हिंदी में भी कंटेंट देंगे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप रही थी, तो दोस्तों इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 11 करोड़ का हुआ था, जो कि एक एवरेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही थी। तो यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि मूवी फ्लॉप रही तो बेकार रहेंगी, क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सारी मूवीज़ होती है जो कि फ्लॉप हो जाती है, पर हिंदी ऑडियंस को वो मूवी काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी है, आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप हमें जो है वो कमेंट कर कर बताइएगा। अगर हम बात कर लेते हैं मूवी के बारे में कि कहाँ पर मूवी देखने को मिलेंगी, तो वैसे ये मूवी अभी के लिए नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स से हिंदी में देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स है वहाँ पर आपको मिलेंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, और इनके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। चलिए बात करते हैं मूवी की रेटिंग के बारे में, तो जो IMDB रेटिंग थी वहाँ पर 10 में से 3.5 की रेटिंग मिली थी, जो कि एक बहुत ही कम रेटिंग कहलाती है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2 स्टार मिले थे, और जो तमिल मूवीज़ है जो कि रिव्यूज़ करते हैं तमिल मूवीज़ के उन्होंने भी इस मूवी को 2 स्टार दिए थे, और 65% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था गूगल की तरफ से। तो यहाँ पर आप इस मूवी की रेटिंग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की जो स्टोरी लाइन और मूवी जो है एवरेज है, पर मेरी मानो तो आप रेटिंग पर मत जाएं, क्योंकि तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जिनकी रेटिंग कम मिलती है पर वो मूवीज़ ब्लॉकबस्टर बन जाती है, जैसे कि भाग्य 3। इस मूवी को डायरेक्ट किया था पोन राम ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी मूवीज़ बनाई है जैसे कि सीमा राजा। इसके अलावा भी इन्होंने जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ दी हुई हैं, इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रहती है और हटके रहती है, तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि जो सभी डायरेक्टर हैं उनकी सभी मूवीज़ हमेशा हिट ही जाए, कुछ मूवीज़ फ्लॉप भी जा सकती है। चलिए जानते हैं हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या इस मूवी की कहानी है, कहाँ पर हमें ये मूवी देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों जो मूवी की कहानी है वो एक अमेजिंग है और इंटरेस्टिंग है, कुछ नया आपको इस मूवी के अंदर वापस देखने को मिलेगा। मुझे दोस्तों यह मूवी जो थी वो एक वॉचेबल लगी, आप इस मूवी को देखिए, आपको यह मूवी जो है वो कैसी लगती है मुझे आप बताइएगा।
आप सभी लोग हमें दोस्तों फॉलो कर सकते हैं, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जो है वो जानकारी मिलती रहेंगी। तो हो सके तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। अगर आपको इस मूवी से कोई और शिकायत या फिर और कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को जो है वो बता दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी इस मूवी की क्या है। तो वैसे दोस्तों कहानी इस मूवी की काफ़ी सिंपल रहती है, पर इससे पहले हमें इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में जानना होगा। तो इस मूवी के अंदर जो विजय सेतुपति है, इसके अलावा शिवानी नारायण भी है, अनुकीर्ति वास है, प्रभाकर है, पुगा झा है, दीपा शंकर, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। पृथ्वीराजन, गजराज, लिंगा, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार भी मूवी के अंदर हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। कुल मिलाकर ये एक वॉचेबल मूवी है। अगर हम बात करें कि मूवी की जो कहानी हो किस प्रकार की है, तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप लोग कॉमेडी एक्शन टाइप मूवीज़ देखते हैं तो इसे आप देख सकते हैं, ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी। मूवी के अंदर आपको थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलता है। तो होता कुछ यूँ है कि एक गुंडा होता है, उनके साथ झगड़ने के कारण अपने परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद एक व्यक्ति जो होता है बदल लेने के लिए अपने गुहनगर के DSP के रूप में लौटता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ होता यूँ है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जिनके साथ कभी कुछ बुरा होता है तो बदला कुछ बन के दिखाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी मूवी का जो हीरो होता है उसके साथ बहुत पहले कुछ गलत हुआ था, बहुत बुरा हुआ था, फिर वो जो DSP बन जाता है और कैसे सबके वार्ड लगाता है वो आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका यही सवाल रहेगा क्या ये वो रियल DSP है या फिर फेंक। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल हो चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और भी बहुत जगह पर अवेलेबल है जहाँ से आप देखिए। मुझे यकीन है कि मूवी शायद आपको अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है और हटके बनाई गई है, जो कि इस तरह की कहानी हमें पहले भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है, पर यहाँ पर विजय सेतुपति है तो उनकी बात अलग ही है। और विजय सेतुपति काफ़ी कमाल के एक्टर भी हैं, इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी शानदार रहती है। तो कुल मिलाकर एक कमाल की मूवी बनी है। तो इस मूवी को आप लोग देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको शायद मूवी अच्छी लगेंगी। और आने वाले टाइम में इस मूवी को शायद यूट्यूब पर रिलीज़ किया जा सकता है, क्योंकि मूवी का जो बैनर था वो सन टीवी था, तो सन टीवी की मूवी शायद हमें यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप सभी लोग हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस मूवी का जो टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को स्टार गोल्ड पर देखने को मिलता रहेगा, तो आप चाहे तो इस मूवी को TV पर भी देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर साउथ की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से करते आ रहे थे। मूवी का नाम है DSP। अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आप भी विजय सेतुपति के फ़ैन हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इस मूवी की जो कहानी है वो क्या है, और साथ ही मैं इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलिए जानते हैं मूवी के बारे में और मूवी की कहानी क्या है, कहां पर उपलब्ध है, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। तो DSP मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था तमिल भाषा में, पर जब ये मूवी रिलीज़ हुई OTT के ऊपर तब इस मूवी को हिंदी के अंदर भी रिलीज़ किया गया। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है कि अब जो नेटफ्लिक्स है वो भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो कि हमें दे रहा हिंदी के अंदर, और कुछ टाइम पहले इन्होंने जो है ट्वीट भी की थी कि वे लोग जो है वो हिंदी में भी कंटेंट देंगे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप रही थी, तो दोस्तों इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 11 करोड़ का हुआ था, जो कि एक एवरेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही थी। तो यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि मूवी फ्लॉप रही तो बेकार रहेंगी, क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सारी मूवीज़ होती है जो कि फ्लॉप हो जाती है, पर हिंदी ऑडियंस को वो मूवी काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी है। आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप हमें जो है वो कमेंट कर कर बताइएगा। अगर हम बात कर लेते हैं मूवी के बारे में कि कहाँ पर मूवी देखने को मिलेंगी, तो वैसे ये मूवी अभी के लिए नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स से हिंदी में देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स है वहाँ पर आपको मिलेंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, और इनके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। चलिए बात करते हैं मूवी की रेटिंग के बारे में। तो जो IMDB रेटिंग थी वहाँ पर 10 में से 3.5 की रेटिंग मिली थी, जो कि एक बहुत ही कम रेटिंग कहलाती है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2 स्टार मिले थे, और जो तमिल मूवीज़ है जो कि रिव्यूज़ करते हैं तमिल मूवीज़ के, उन्होंने भी इस मूवी को 2 स्टार दिए थे।
और 65% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था गूगल की तरफ से। तो यहाँ पर आप इस मूवी की रेटिंग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की जो स्टोरी लाइन और मूवी जो है एवरेज है, पर मेरी माने तो आप रेटिंग पर मत जाएं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मूवीज है जिनकी रेटिंग कम मिलती है पर वो मूवीज़ ब्लॉकबस्टर बन जाती है, जैसे कि भाग्य 3। इस मूवी को डायरेक्ट किया था पोंड्राम ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी मूवीज़ बनाई है, जैसे कि सीमा राजा। इसके अलावा भी इन्होंने जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ दी हुई हैं। इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रहती है और हटके रहती है, तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि जो सभी डायरेक्टर हैं उनकी सभी मूवीज़ हमेशा हिट ही जाए, कुछ मूवीज़ फ्लॉप भी जा सकती है। चलिए जानते हैं हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या इस मूवी की कहानी है, कहाँ पर हमें ये मूवी देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों जो मूवी की कहानी है वो एक अमेजिंग है और इंटरेस्टिंग है, कुछ नया आपको इस मूवी के अंदर वापस देखने को मिलेगा। मुझे दोस्तों यह मूवी जो थी वो एक वॉचेबल लगी। आप इस मूवी को देखिए, आपको यह मूवी जो है वो कैसी लगती है मुझे आप बताइएगा। आप सभी लोग हमें दोस्तों फॉलो कर सकते हैं, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जो है वो जानकारी मिलती रहेंगी। तो हो सके तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। अगर आपको इस मूवी से कोई और शिकायत या फिर और कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को जो है वो बता दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी इस मूवी की क्या है। तो वैसे दोस्तों कहानी इस मूवी की काफ़ी सिंपल रहती है, पर इससे पहले हमें इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में जानना होगा। तो इस मूवी के अंदर जो विजय सेतुपति है, इसके अलावा शिवानी नारायण भी है, अनुकीर्ति वास है, प्रभाकर है, फुगजा है, दीपा शंकर, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। पृथ्वीराजन, गजराज, लिंगा, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार भी मूवी के अंदर हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। कुल मिलाकर ये एक वॉचेबल मूवी है। अगर हम बात करें कि मूवी की जो कहानी हो किस प्रकार की है, तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप लोग कॉमेडी एक्शन टाइप मूवीज़ देखते हैं तो इसे आप देख सकते हैं, ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी। मूवी के अंदर आपको थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलता है। तो होता कुछ यूँ है कि एक गुंडा होता है, उनके साथ झगड़ने के कारण अपने परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद एक व्यक्ति जो होता है बदल लेने के लिए अपने गुहनगर के DSP के रूप में लौटता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ होता यूँ है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जिनके साथ कभी कुछ बुरा होता है तो बदला कुछ बन के दिखाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी मूवी का जो हीरो होता है उसके साथ बहुत पहले कुछ गलत हुआ था, बहुत बुरा हुआ था, फिर वो जो DSP बन जाता है और कैसे सबके वार्ड लगाता है वो आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका यही सवाल रहेगा क्या ये वो रियल DSP या फिर फेंक। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल हो चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और भी बहुत जगह पर अवेलेबल है जहाँ से आप देखिए। मुझे यकीन है कि मूवी शायद आपको अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है और हटके बनाई गई है, जो कि इस तरह की कहानी हमें पहले भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है, पर यहाँ पर विजय सेतुपति है तो उनकी बात अलग ही है। और विजय सेतुपति काफ़ी कमाल के एक्टर भी हैं, इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी शानदार रहती है। तो कुल मिलाकर एक कमाल की मूवी बनी है। तो इस मूवी को आप लोग देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको शायद मूवी अच्छी लगेंगी। और आने वाले टाइम में इस मूवी को शायद यूट्यूब पर रिलीज़ किया जा सकता है, क्योंकि मूवी का जो बैनर था वो Sun TV था, तो Sun TV की मूवी शायद हमें यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस मूवी का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो आप सभी को स्टार गोल्ड पर देखने को मिलता रहेगा, तो आप चाहे तो इस मूवी को TV पर भी देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर साउथ की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से करते आ रहे थे। मूवी का नाम है DSP। अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आप भी विजय सेतुपति के फ़ैन हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इस मूवी की जो कहानी है वो क्या है, और साथ ही मैं इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलिए जानते हैं मूवी के बारे में और मूवी की कहानी क्या है, कहां पर उपलब्ध है, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। तो DSP मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था तमिल भाषा में, पर जब ये मूवी रिलीज़ हुई OTT के ऊपर तब इस मूवी को हिंदी के अंदर भी रिलीज़ किया गया। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है कि अब जो नेटफ्लिक्स है वो भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो कि हमें दे रहा हिंदी के अंदर, और कुछ टाइम पहले इन्होंने जो है ट्वीट भी की थी कि वे लोग जो है वो हिंदी में भी कंटेंट देंगे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप रही थी,
तो दोस्तों इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 11 करोड़ का हुआ था, जो कि एक एवरेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही थी, तो यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि मूवी फ्लॉप रही तो बेकार रहेंगी, क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सारी मूवीज़ होती है जो कि फ्लॉप हो जाती है, पर हिंदी ऑडियंस को वो मूवी काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी है। आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप हमें जो है वो कमेंट कर कर बताइएगा। अगर हम बात कर लेते हैं मूवी के बारे में कि कहाँ पर मूवी देखने को मिलेंगी, तो वैसे ये मूवी अभी के लिए नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स से हिंदी में देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स है वहाँ पर आपको मिलेंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है और इनके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। चलिए बात करते हैं मूवी की रेटिंग के बारे में। तो जो IMDb रेटिंग थी वहाँ पर 10 में से 3.5 की रेटिंग मिली थी, जो कि एक बहुत ही कम रेटिंग कहलाती है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2 स्टार मिले थे, और जो तमिल मूवीज़ है जो कि रिव्यूज़ करते हैं तमिल मूवीज़ के, उन्होंने भी इस मूवी को 2 स्टार दिए थे। और 65% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था गूगल की तरफ से। तो यहाँ पर आप इस मूवी की रेटिंग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की जो स्टोरी लाइन और मूवी जो है एवरेज है, पर मेरी माने तो आप रेटिंग पर मत जाएं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मूवीज है जिनकी रेटिंग कम मिलती है पर वो मूवीज़ ब्लॉकबस्टर बन जाती है, जैसे कि भाग्य 3। इस मूवी को डायरेक्ट किया था पोन राम ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी मूवीज़ बनाई है, जैसे कि सीमा राजा। इसके अलावा भी इन्होंने जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ दी हुई हैं। इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रहती है और हटके रहती है, तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि जो सभी डायरेक्टर हैं उनकी सभी मूवीज़ हमेशा हिट ही जाए, कुछ मूवीज़ फ्लॉप भी जा सकती है। चलिए जानते हैं हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या इस मूवी की कहानी है, कहाँ पर हमें यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों जो मूवी की कहानी है वो एक अमेजिंग है और इंटरेस्टिंग है, कुछ नया आपको इस मूवी के अंदर वापस देखने को मिलेगा। मुझे दोस्तों यह मूवी जो थी वो एक वॉचेबल लगी। आप इस मूवी को देखिए, आपको यह मूवी जो है वो कैसी लगती है मुझे आप बताइएगा। आप सभी लोग हमें दोस्तों फॉलो कर सकते हैं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जो है वो जानकारी मिलती रहेंगी, तो हो सके तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। अगर आपको इस मूवी से कोई और शिकायत या फिर और कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को जो है वो बता दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी इस मूवी की क्या है। तो वैसे दोस्तों कहानी इस मूवी की काफ़ी सिंपल रहती है, पर इससे पहले हमें इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में जानना होगा। तो इस मूवी के अंदर जो विजय सेतुपति है, इसके अलावा शिवानी नारायण भी है, अनुकीर्ति वास है, प्रभाकर है, पुगा झा है, दीपा शंकर, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। पृथ्वीराजन, गजराज, लिंगा, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार भी मूवी के अंदर हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। कुल मिलाकर ये एक वॉचेबल मूवी है। अगर हम बात करें कि मूवी की जो कहानी हो किस प्रकार की है, तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप लोग कॉमेडी एक्शन टाइप मूवीज़ देखते हैं तो इसे आप देख सकते हैं, ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी। मूवी के अंदर आपको थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलता है। तो होता कुछ यूँ है कि एक गुंडा होता है, उनके साथ झगड़ने के कारण अपने परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद एक व्यक्ति जो होता है बदल लेने के लिए अपने गुहनगर के DSP के रूप में लौटता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ होता यूँ है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जिनके साथ कभी कुछ बुरा होता है तो बदला कुछ बन के दिखाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी मूवी का जो हीरो होता है उसके साथ बहुत पहले कुछ गलत हुआ था, बहुत बुरा हुआ था, फिर वो जो DSP बन जाता है और कैसे सबके वार्ड लगाता है वो आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका यही सवाल रहेगा क्या ये वो रियल DSP है या फिर फेंक, तो आप इस मूवी को देखिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल हो चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और भी बहुत जगह पर अवेलेबल है जहाँ से आप देखिए। मुझे यकीन है कि मूवी शायद आपको अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है और हटके बनाई गई है, जो कि इस तरह की कहानी हमें पहले भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है, पर यहाँ पर विजय सेतुपति है तो उनकी बात अलग ही है। और विजय सेतुपति काफ़ी कमाल के एक्टर भी हैं, इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी शानदार रहती है। तो कुल मिलाकर एक कमाल की मूवी बनी है, तो इस मूवी को आप लोग देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको शायद मूवी अच्छी लगेंगी। और आने वाले टाइम में इस मूवी को शायद यूट्यूब पर रिलीज़ किया जा सकता है, क्योंकि मूवी का जो बैनर था वो Sun TV था, तो Sun TV की मूवी शायद हमें यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप सभी लोग हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए।
इस मूवी का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो आप सभी को स्टार गोल्ड पर देखने को मिलता रहेगा, तो आप चाहे तो इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर साउथ की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से करते आ रहे थे। मूवी का नाम है DSP। अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आप भी विजय सेतुपति के फ़ैन हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इस मूवी की जो कहानी है वो क्या है, और साथ ही मैं इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलिए जानते हैं मूवी के बारे में और मूवी की कहानी क्या है, कहां पर उपलब्ध है, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। तो DSP मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था तमिल भाषा में, पर जब ये मूवी रिलीज़ हुई OTT के ऊपर तब इस मूवी को हिंदी के अंदर भी रिलीज़ किया गया। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है कि अब जो नेटफ्लिक्स है वो भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो कि हमें दे रहा हिंदी के अंदर, और कुछ टाइम पहले इन्होंने जो है ट्वीट भी की थी कि वे लोग जो है वो हिंदी में भी कंटेंट देंगे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप रही थी, तो दोस्तों इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 11 करोड़ का हुआ था जो कि एक एवरेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही थी। तो यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि मूवी फ्लॉप रही तो बेकार रहेंगी, क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सारी मूवीज़ होती है जो कि फ्लॉप हो जाती है, पर हिंदी ऑडियंस को वो मूवी काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी है, आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप हमें जो है वो कमेंट कर कर बताइएगा। अगर हम बात कर लेते हैं मूवी के बारे में कि कहाँ पर मूवी देखने को मिलेंगी, तो वैसे ये मूवी अभी के लिए नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स से हिंदी में देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स है वहाँ पर आपको मिलेंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, और इनके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। चलिए बात करते हैं मूवी की रेटिंग के बारे में, तो जो IMDb रेटिंग थी वहाँ पर 10 में से 3.5 की रेटिंग मिली थी जो कि एक बहुत ही कम रेटिंग कहलाती है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2 स्टार मिले थे, और जो तमिल मूवीज़ है जो कि रिव्यूज़ करते हैं तमिल मूवीज़ के उन्होंने भी इस मूवी को 2 स्टार दिए थे, और 65% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था गूगल की तरफ से। तो यहाँ पर आप इस मूवी की रेटिंग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की जो स्टोरी लाइन और मूवी जो है एवरेज है, पर मेरी माने तो आप रेटिंग पर मत जाए, क्योंकि तो ऐसी बहुत सारी मूवीज है जिनकी रेटिंग कम मिलती है पर वो मूवीज़ ब्लॉकबास्टर बन जाती है, जैसे कि भाग्य 3। इस मूवी को डायरेक्ट किया था पोन राम ने जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं, साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी मूवीज़ बनाई है जैसे कि सीमा राजा। इसके अलावा भी इन्होंने जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ दी हुई है, इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रहती है और हटके रहती है, तो वो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि जो सभी डायरेक्टर हैं उनकी सभी मूवीज़ हमेशा हिट ही जाए, कुछ मूवीज़ फ्लॉप भी जा सकती है। चलिए जानते हैं हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या इस मूवी की कहानी है, कहाँ पर हमें यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों जो मूवी की कहानी है वो एक अमेजिंग है और इंटरेस्टिंग है, कुछ नया आपको इस मूवी के अंदर वापस देखने को मिलेगा। मुझे दोस्तों यह मूवी जो थी वो एक वॉचेबल लगी, आप इस मूवी को देखिए, आपको यह मूवी जो है वो कैसी लगती है मुझे आप बताइएगा। आप सभी लोग हमें दोस्तों फॉलो कर सकते हैं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जो है वो जानकारी मिलती रहेंगी, तो हो सके तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। अगर आपको इस मूवी से कोई और शिकायत है या फिर और कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को जो है वो बता दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी इस मूवी की क्या है। तो वैसे दोस्तों कहानी इस मूवी की काफ़ी सिंपल रहती है, पर इससे पहले हमें इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में जानना होगा। तो इस मूवी के अंदर जो विजय सेतुपति है, इसके अलावा शिवानी नारायण भी है, अनुकीर्ति वास है, प्रभाकर है, पुगा झा है, दीपा शंकर, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, पृथ्वीराजन, गजराज, लिंगा, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार भी मूवी के अंदर हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। कुल मिलाकर ये एक वॉचेबल मूवी है। अगर हम बात करें कि मूवी की जो कहानी हो किस प्रकार की है, तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप लोग कॉमेडी एक्शन टाइप मूवीज़ देखते हैं तो इसे आप देख सकते हैं, ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी। मूवी के अंदर आपको थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलता है। तो होता कुछ यूँ है कि एक गुंडा होता है, उनके साथ झगड़ने के कारण अपने परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद एक व्यक्ति जो होता है बदल लेने के लिए अपने गुहनगर के DSP के रूप में लौटता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ होता यूँ है
कि कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जिनके साथ कभी कुछ बुरा होता है तो बदला कुछ बन के दिखाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी मूवी का जो हीरो होता है उसके साथ बहुत पहले कुछ गलत हुआ था, बहुत बुरा हुआ था, फिर वो जो DS बन जाता है और कैसे सबके वार्ड लगाता है वो आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका यही सवाल रहेगा, क्या ये वो रियल DSP है या फिर फेंक? तो आप इस मूवी को देखिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल हो चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और भी बहुत जगह पर अवेलेबल है जहाँ से आप देखिए। मुझे यकीन है कि मूवी शायद आपको अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है और हटके बनाई गई है, जो कि इस तरह की कहानी हमें पहले भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है। पर यहाँ पर विजय सेतुपति है तो उनकी बात अलग ही है, और विजय सेतुपति काफ़ी कमाल के एक्टर भी हैं। इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी शानदार रहती है। तो कुल मिलाकर एक कहाँ कमाल की मूवी बनी है। तो इस मूवी को आप लोग देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको शायद मूवी अच्छी लगेंगी। और आने वाले टाइम में इस मूवी को शायद यूट्यूब पर रिलीज़ किया जा सकता है, क्योंकि मूवी का जो बैनर था वो सन टीवी था, तो सन टीवी की मूवी शायद हमें यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप सभी लोग हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस मूवी का जो टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को स्टार गोल्ड पर देखने को मिलता रहेगा, तो आप चाहे तो इस मूवी को TV पर भी देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर साउथ की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से करते आ रहे थे। मूवी का नाम है DSP। अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर, तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आप भी विजय सेतुपति के फ़ैन हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इस मूवी की जो कहानी है वो क्या है, और साथ ही में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलिए जानते हैं मूवी के बारे में और मूवी की कहानी क्या है, कहां पर उपलब्ध है, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। तो DSP मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था तमिल भाषा में, पर जब ये मूवी रिलीज़ हुई OTT के ऊपर तभी इस मूवी को हिंदी के अंदर भी रिलीज़ किया गया। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है कि अब जो नेटफ्लिक्स है वो भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो कि हमें दे रहा हिंदी के अंदर, और कुछ टाइम पहले इन्होंने जो है ट्वीट भी की थी कि वे लोग जो है वो हिंदी में भी कंटेंट देंगे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप रही थी, तो दोस्तों इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 11 करोड़ का हुआ था, जो कि एक एवरेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही थी। तो यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि मूवी फ्लॉप रही तो बेकार रहेंगी, क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सारी मूवीज़ होती है जो कि फ्लॉप हो जाती है, पर हिंदी ऑडियंस को वो मूवी काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी है। आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप हमें जो है वो कमेंट कर कर बताइएगा। अगर हम बात कर लेते हैं मूवी के बारे में कि कहाँ पर मूवी देखने को मिलेंगी, तो वैसे ये मूवी अभी के लिए नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स से हिंदी में देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स है वहाँ पर आपको मिलेंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, और इनके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। चलिए बात करते हैं मूवी की रेटिंग के बारे में। तो जो IMDB रेटिंग थी वहाँ पर 10 में से 3.5 की रेटिंग मिली थी, जो कि एक बहुत ही कम रेटिंग कहलाती है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2 स्टार मिले थे, और जो तमिल मूवीज़ है जो कि रिव्यूज़ करते हैं तमिल मूवीज़ के, उन्होंने भी इस मूवी को 2 स्टार दिए थे, और 65% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था गूगल की तरफ से। तो यहाँ पर आप इस मूवी की रेटिंग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की जो स्टोरी लाइन और मूवी जो है एवरेज है, पर मेरी माने तो आप रेटिंग पर मत जाएं, क्योंकि तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जिनकी रेटिंग कम मिलती है पर वो मूवीज़ ब्लॉकबस्टर बन जाती है, जैसे कि भाग्य 3। इस मूवी को डायरेक्ट किया था पोन राम ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी मूवीज़ बनाई है, जैसे कि सीमा राजा। इसके अलावा भी इन्होंने जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ दी हुई हैं। इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रहती है और हटके रहती है, तो वो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि जो सभी डायरेक्टर हैं उनकी सभी मूवीज़ हमेशा हिट ही जाए, कुछ मूवीज़ फ्लॉप भी जा सकती है। चलिए जानते हैं हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या इस मूवी की कहानी है, कहाँ पर हमें ये मूवी देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों जो मूवी की कहानी है वो एक अमेजिंग है और इंटरेस्टिंग है, कुछ नया आपको इस मूवी के अंदर वापस देखने को मिलेगा। मुझे दोस्तों यह मूवी जो थी वो एक वॉचेबल लगी। आप इस मूवी को देखिए, आपको यह मूवी जो है वो कैसी लगती है मुझे आप बताइएगा। आप सभी लोग हमें दोस्तों फॉलो कर सकते हैं, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जो है वो जानकारी मिलती रहेंगी, तो हो सके तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। अगर आपको इस मूवी से कोई और शिकायत या फिर और कुछ जानना चाहते हो
तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को जो है वो बता दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी इस मूवी की क्या है। तो वैसे दोस्तों कहानी इस मूवी की काफ़ी सिंपल रहती है, पर इससे पहले हमें इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में जानना होगा। तो इस मूवी के अंदर जो विजय सेतुपति है, इसके अलावा शिवानी नारायण भी है, अनुकीर्ति वास है, प्रभाकर है, फुगा झा है, दीपा शंकर, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। पृथ्वीराजन, गजराज, लिंगा, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार भी मूवी के अंदर हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। कुल मिलाकर ये एक वॉचेबल मूवी है। अगर हम बात करें कि मूवी की जो कहानी हो किस प्रकार की है, तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप लोग कॉमेडी एक्शन टाइप मूवीज़ देखते हैं तो इसे आप देख सकते हैं, ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी। मूवी के अंदर आपको थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलता है। तो होता कुछ यूँ है कि एक गुंडा होता है, उनके साथ झगड़ने के कारण अपने परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद एक व्यक्ति जो होता है वो बदल लेने के लिए अपने गुहनगर के DSP के रूप में लौटता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ होता यूँ है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जिनके साथ कभी कुछ बुरा होता है तो बदला कुछ बन के दिखाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी मूवी का जो हीरो होता है उसके साथ बहुत पहले कुछ गलत हुआ था, बहुत बुरा हुआ था, फिर वो जो DSP बन जाता है और कैसे सबके वार्ड लगाता है वो आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका यही सवाल रहेगा क्या ये वो रियल DSP है फिर फैंक, तो आप इस मूवी को देखिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल हो चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और भी बहुत जगह पर अवेलेबल है जहाँ से आप देखिए। मुझे यकीन है कि मूवी शायद आपको अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है और हटके बनाई गई है, जो कि इस तरह की कहानी हमें पहले भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है, पर यहाँ पर विजय सेतुपति है तो उनकी बात अलग ही है। और विजय सेतुपति काफ़ी कमाल के एक्टर भी हैं, इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी शानदार रहती है। तो कुल मिलाकर एक कमाल की मूवी बनी है। तो इस मूवी को आप लोग देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको शायद मूवी अच्छी लगेंगी। और आने वाले टाइम में इस मूवी को शायद यूट्यूब पर रिलीज़ किया जा सकता है, क्योंकि मूवी का जो बैनर था वो सन टीवी था, तो सन टीवीज़ की मूवी शायद हमें यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप सभी लोग हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस मूवी का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो आप सभी को स्टार गोल्ड पर देखने को मिलता रहेगा, तो आप चाहे तो इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर साउथ की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से करते आ रहे थे। मूवी का नाम है DSP। अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आप भी विजय सेतुपति के फ़ैन हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इस मूवी की जो कहानी है वो क्या है, और साथ ही मैं इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलिए जानते हैं मूवी के बारे में और मूवी की कहानी क्या है, कहां पर उपलब्ध है, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। तो DSP मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था तमिल भाषा में, पर जब ये मूवी रिलीज़ हुई OTT के ऊपर तब इस मूवी को हिंदी के अंदर भी रिलीज़ किया गया। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है कि अब जो नेटफ्लिक्स है वो भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो कि हमें दे रहा हिंदी के अंदर, और कुछ टाइम पहले इन्होंने जो है ट्वीट भी की थी कि वे लोग जो है वो हिंदी में भी कंटेंट देंगे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप रही थी, तो दोस्तों इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 11 करोड़ का हुआ था, जो कि एक एवरेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही थी। तो यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि मूवी फ्लॉप रही तो बेकार रहेंगी, क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सारी मूवीज़ होती है जो कि फ्लॉप हो जाती है, पर हिंदी ऑडियंस को वो मूवी काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी है। आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप हमें जो है वो कमेंट कर कर बताइएगा। अगर हम बात कर लेते हैं मूवी के बारे में कि कहाँ पर मूवी देखने को मिलेंगी, तो वैसे ये मूवी अभी के लिए नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स से हिंदी में देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स है वहाँ पर आपको मिलेंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, और इनके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। चलिए बात करते हैं मूवी की रेटिंग के बारे में। तो जो IMDB रेटिंग थी वहाँ पर 10 में से 3.5 की रेटिंग मिली थी, जो कि एक बहुत ही कम रेटिंग कहलाती है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2 स्टार मिले थे, और जो तमिल मूवीज़ है जो कि रिव्यूज़ करते हैं तमिल मूवीज़ के, उन्होंने भी इस मूवी को 2 स्टार दिए थे, और 65% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था गूगल की तरफ से। तो यहाँ पर आप इस मूवी की रेटिंग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की जो स्टोरी लाइन और मूवी जो है एवरेज है, पर मेरी माने तो आप रेटिंग पर मत जाएँ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मूवीज है जिनकी रेटिंग कम मिलती है
पर वो मूवीज ब्लॉकबस्टर बन जाती है, जैसे कि भाग्य 3। इस मूवी को डायरेक्ट किया था पोन राम ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी मूवीज़ बनाई है, जैसे कि सीमा राजा। इसके अलावा भी इन्होंने जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ दी हुई हैं। इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रहती है और हट के रहती है, तो वो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि जो सभी डायरेक्टर हैं उनकी सभी मूवीज़ हमेशा हिट ही जाए, कुछ मूवीज़ फ्लॉप भी जा सकती है। चलिए जानते हैं हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या इस मूवी की कहानी है, कहाँ पर हमें यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों जो मूवी की कहानी है वो एक अमेजिंग है और इंटरेस्टिंग है, कुछ नया आपको इस मूवी के अंदर वापस देखने को मिलेगा। मुझे दोस्तों यह मूवी जो थी वो एक वॉचेबल लगी। आप इस मूवी को देखिए, आपको यह मूवी जो है वो कैसी लगती है मुझे आप बताइएगा। आप सभी लोग हमें दोस्तों फॉलो कर सकते हैं, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जो है वो जानकारी मिलती रहेंगी। तो हो सके तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। अगर आपको इस मूवी से कोई और शिकायत या फिर और कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को जो है वो बता दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी इस मूवी की क्या है। तो वैसे दोस्तों कहानी इस मूवी की काफ़ी सिंपल रहती है, पर इससे पहले हमें इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में जानना होगा। तो इस मूवी के अंदर जो विजय सेतुपति है, इसके अलावा शिवानी नारायण भी है, अनुकीर्ति वास है, प्रभाकर है, पुगजा है, दीपा शंकर, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। पृथ्वीराजन, गजराज, लिंगा, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार भी मूवी के अंदर हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। कुल मिलाकर ये एक वॉचेबल मूवी है। अगर हम बात करें कि मूवी की जो कहानी हो किस प्रकार की है, तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप लोग कॉमेडी एक्शन टाइप मूवीज़ देखते हैं तो इसे आप देख सकते हैं, ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी। मूवी के अंदर आपको थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलता है। तो होता कुछ यूँ है कि एक गुंडा होता है, उनके साथ झगड़ने के कारण अपने परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद एक व्यक्ति जो होता है बदल लेने के लिए अपने गुहनगर के DSP के रूप में लौटता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ होता यूँ है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जिनके साथ कभी कुछ बुरा होता है, तो बदला कुछ बन के दिखाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी मूवी का जो हीरो होता है उसके साथ बहुत पहले कुछ गलत हुआ था, बहुत बुरा हुआ था, फिर वो जो DSP बन जाता है और कैसे सबके वार्ड लगाता है वो आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका यही सवाल रहेगा क्या ये वो रियल DSP है या फिर फेंक। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल हो चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और भी बहुत जगह पर अवेलेबल है जहाँ से आप देखिए। मुझे यकीन है कि मूवी शायद आपको अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है और हटके बनाई गई है, जो कि इस तरह की कहानी हमें पहले भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है, पर यहाँ पर विजय सेतुपति है तो उनकी बात अलग ही है। और विजय सेतुपति काफ़ी कमाल के एक्टर भी हैं, इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी शानदार रहती है। तो कुल मिलाकर एक कमाल की मूवी बनी है। तो इस मूवी को आप लोग देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको शायद मूवी अच्छी लगेंगी। और आने वाले टाइम में इस मूवी को शायद यूट्यूब पर रिलीज़ किया जा सकता है, क्योंकि मूवी का जो बैनर था वो Sun TV था, तो Sun TV की मूवी शायद हमें यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप सभी लोग हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस मूवी का जो टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को स्टार गोल्ड पर देखने को मिलता रहेगा, तो आप चाहे तो इस मूवी को TV पर भी देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर साउथ की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से करते आ रहे थे। मूवी का नाम है DSP। अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर, तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आप भी विजय सेतुपति के फ़ैन हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इस मूवी की जो कहानी है वो क्या है, और साथ ही में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलिए जानते हैं मूवी के बारे में और मूवी की कहानी क्या है, कहां पर उपलब्ध है, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। तो DSP मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था तमिल भाषा में, पर जब ये मूवी रिलीज़ हुई OTT के ऊपर तब इस मूवी को हिंदी के अंदर भी रिलीज़ किया गया। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है कि अब जो नेटफ्लिक्स है वो भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो कि हमें दे रहा हिंदी के अंदर, और कुछ टाइम पहले इन्होंने जो है ट्वीट भी की थी कि वे लोग जो है वो हिंदी में भी कंटेंट देंगे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप रही थी, तो दोस्तों इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 11 करोड़ का हुआ था, जो कि एक एवरेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही थी। तो यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि मूवी फ्लॉप रही तो बेकार रहेंगी,
क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सारी मूवीज़ होती है जो कि फ्लॉप हो जाती है, पर हिंदी ऑडियंस को वो मूवी काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी है। आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप हमें जो है वो कमेंट कर कर बताइएगा। अगर हम बात कर लेते हैं मूवी के बारे में कि कहाँ पर मूवी देखने को मिलेंगी, तो वैसे ये मूवी अभी के लिए नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स से हिंदी में देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स है वहाँ पर आपको मिलेंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा। फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, और इनके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। चलिए बात करते हैं मूवी की रेटिंग के बारे में। तो जो IMDB रेटिंग थी वहाँ पर 10 में से 3.5 की रेटिंग मिली थी, जो कि एक बहुत ही कम रेटिंग कहलाती है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2 स्टार मिले थे, और जो तमिल मूवीज़ है जो कि रिव्यूज़ करते हैं तमिल मूवीज़ के, उन्होंने भी इस मूवी को 2 स्टार दिए थे। और 65% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था गूगल की तरफ से। तो यहाँ पर आप इस मूवी की रेटिंग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की जो स्टोरी लाइन और मूवी जो है एवरेज है। पर मेरी मानो तो आप रेटिंग पर मत जाएं, क्योंकि तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जिनकी रेटिंग कम मिलती है पर वो मूवीज़ ब्लॉकबस्टर बन जाती है, जैसे कि भाग्य 3। इस मूवी को डायरेक्ट किया था पोन राम ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी मूवीज़ बनाई है, जैसे कि सीमा राजा। इसके अलावा भी इन्होंने जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ दी हुई हैं। इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रहती है और हटके रहती है, तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि जो सभी डायरेक्टर हैं उनकी सभी मूवीज़ हमेशा हिट ही जाए, कुछ मूवीज़ फ्लॉप भी जा सकती है। चलिए जानते हैं हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या इस मूवी की कहानी है, कहाँ पर हमें यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों जो मूवी की कहानी है वो एक अमेजिंग है और इंटरेस्टिंग है, कुछ नया आपको इस मूवी के अंदर वापस देखने को मिलेगा। मुझे दोस्तों यह मूवी जो थी वो एक वॉचेबल लगी। आप इस मूवी को देखिए, आपको यह मूवी जो है वो कैसी लगती है मुझे आप बताइएगा। आप सभी लोग हमें दोस्तों फॉलो कर सकते हैं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जो है वो जानकारी मिलती रहेंगी। तो हो सके तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। अगर आपको इस मूवी से कोई और शिकायत या फिर और कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को जो है वो बता दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी इस मूवी की क्या है। तो वैसे दोस्तों कहानी इस मूवी की काफ़ी सिंपल रहती है, पर इससे पहले हमें इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में जानना होगा। तो इस मूवी के अंदर जो विजय सेतुपति है, इसके अलावा शिवानी नारायण भी है, अनुकीर्ति वास है, प्रभाकर है, पुगा झा है, दीपा शंकर, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। पृथ्वीराजन, गजराज, लिंगा, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार भी मूवी के अंदर हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। कुल मिलाकर यह एक वॉचेबल मूवी है। अगर हम बात करें कि मूवी की जो कहानी हो किस प्रकार की है, तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप लोग कॉमेडी एक्शन टाइप मूवीज़ देखते हैं तो इसे आप देख सकते हैं, यह मूवी आपको अच्छी लगेंगी। मूवी के अंदर आपको थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलता है। तो होता कुछ यूँ है कि एक गुंडा होता है, उनके साथ झगड़ने के कारण अपने परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद एक व्यक्ति जो होता है बदल लेने के लिए अपने गुहनगर के DSP के रूप में लौटता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ होता यूँ है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जिनके साथ कभी कुछ बुरा होता है तो बदला कुछ बन के दिखाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी मूवी का जो हीरो होता है उसके साथ बहुत पहले कुछ गलत हुआ था, बहुत बुरा हुआ था, फिर वो जो DSP बन जाता है और कैसे सबके वार्ड लगाता है वो आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका यही सवाल रहेगा क्या ये वो रियल DSP है या फिर फेंक। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल हो चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और भी बहुत जगह पर अवेलेबल है जहाँ से आप देखिए। मुझे यकीन है कि मूवी शायद आपको अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है और हटके बनाई गई है, जो कि इस तरह की कहानी हमें पहले भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है। पर यहाँ पर विजय सेतुपति है तो उनकी बात अलग ही है, और विजय सेतुपति काफ़ी कमाल के एक्टर भी हैं, इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी शानदार रहती है। तो कुल मिलाकर एक कमाल की मूवी बनी है। तो इस मूवी को आप लोग देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको शायद मूवी अच्छी लगेंगी। और आने वाले टाइम में इस मूवी को शायद यूट्यूब पर रिलीज़ किया जा सकता है, क्योंकि मूवी का जो बैनर था वो Sun TV था, तो Sun TV की मूवी शायद हमें यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप सभी लोग हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस मूवी का जो टेलीविज़न प्रीमियर है वो आप सभी को स्टार गोल्ड पर देखने को मिलता रहेगा, तो आप चाहे तो इस मूवी को TV पर भी देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर साउथ की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से करते आ रहे थे। मूवी का नाम है DSP। अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर,
तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आप भी विजय सेतुपति के फ़ैन हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इस मूवी की जो कहानी है वो क्या है, और साथ ही मैं इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलिए जानते हैं मूवी के बारे में और मूवी की कहानी क्या है, कहाँ पर उपलब्ध है, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। तो DSP मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था तमिल भाषा में, पर जब ये मूवी रिलीज़ हुई OTT के ऊपर तब इस मूवी को हिंदी के अंदर भी रिलीज़ किया गया। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है कि अब जो नेटफ्लिक्स है वो भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो कि हमें दे रहा हिंदी के अंदर, और कुछ टाइम पहले इन्होंने जो है ट्वीट भी की थी कि वे लोग जो है वो हिंदी में भी कंटेंट देंगे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप रही थी, तो दोस्तों इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 11 करोड़ का हुआ था, जो कि एक एवरेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही थी। तो यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि मूवी फ्लॉप रही तो बेकार रहेंगी, क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सारी मूवीज़ होती है जो कि फ्लॉप हो जाती है, पर हिंदी ऑडियंस को वो मूवी काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी है, आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप हमें जो है वो कमेंट कर बताइएगा। अगर हम बात कर लेते हैं मूवी के बारे में कि कहाँ पर मूवी देखने को मिलेंगी, तो वैसे ये मूवी अभी के लिए नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स से हिंदी में देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स है वहाँ पर आपको मिलेंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, और इनके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। चलिए बात करते हैं मूवी की रेटिंग के बारे में, तो जो IMDB रेटिंग थी वहाँ पर 10 में से 3.5 की रेटिंग मिली थी, जो कि एक बहुत ही कम रेटिंग कहलाती है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2 स्टार मिले थे, और जो तमिल मूवीज़ है जो कि रिव्यूज़ करते हैं तमिल मूवीज़ के, उन्होंने भी इस मूवी को 2 स्टार दिए थे, और 65% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था गूगल की तरफ से। तो यहाँ पर आप इस मूवी की रेटिंग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की जो स्टोरी लाइन और मूवी जो है एवरेज है, पर मेरी मानो तो आप रेटिंग पर मत जाएँ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जिनकी रेटिंग कम मिलती है पर वो मूवीज़ ब्लॉकबस्टर बन जाती है, जैसे कि भाग्य 3। इस मूवी को डायरेक्ट किया था पॉन्ड राम ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं, साउथ की मूवीज़ देखते होंगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी मूवीज़ बनाई है जैसे कि सीमा राजा। इसके अलावा भी इन्होंने जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ दी हुई हैं, इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रहती है और हटके रहती है, तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि जो सभी डायरेक्टर हैं उनकी सभी मूवीज़ हमेशा हिट ही जाए, कुछ मूवीज़ फ्लॉप भी जा सकती है। चलिए जानते हैं हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या इस मूवी की कहानी है, कहाँ पर हमें यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों जो मूवी की कहानी है वो एक अमेजिंग है और इंटरेस्टिंग है, कुछ नया आपको इस मूवी के अंदर वापस देखने को मिलेगा। मुझे दोस्तों यह मूवी जो थी वो एक वॉचेबल लगी, आप इस मूवी को देखिए, आपको यह मूवी जो है वो कैसी लगती है मुझे आप बताइएगा। आप सभी लोग हमें दोस्तों फॉलो कर सकते हैं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जो है वो जानकारी मिलती रहेंगी, तो हो सके तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। अगर आपको इस मूवी से कोई और शिकायत या फिर और कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को जो है वो बता दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी इस मूवी की क्या है। तो वैसे दोस्तों कहानी इस मूवी की काफ़ी सिंपल रहती है, पर इससे पहले हमें इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में जानना होगा। तो इस मूवी के अंदर जो विजय सेतुपति है, इसके अलावा शिवानी नारायण भी है, अनुकीर्ति वास है, प्रभाकर है, पुगा झा है, दीपा शंकर, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टार कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, पृथ्वीराजन, गजराज, लिंगा, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार भी मूवी के अंदर हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। कुल मिलाकर ये एक वॉचेबल मूवी है। अगर हम बात करें कि मूवी की जो कहानी हो किस प्रकार की है, तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप लोग कॉमेडी एक्शन टाइप मूवीज़ देखते हैं तो इसे आप देख सकते हैं, यह मूवी आपको अच्छी लगेंगी। मूवी के अंदर आपको थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलता है। तो होता कुछ यूँ है कि एक गुंडा होता है, उनके साथ झगड़ने के कारण अपने परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद एक व्यक्ति जो होता है बदल लेने के लिए अपने गुहनगर के DSP के रूप में लौटता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ होता यूँ है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जिनके साथ कभी कुछ बुरा होता है तो बदला कुछ बन के दिखाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी मूवी का जो हीरो होता है उसके साथ बहुत पहले कुछ गलत हुआ था, बहुत बुरा हुआ था, फिर वो जो DSP बन जाता है और कैसे सबके वार्ड लगाता है वो आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा।
यहाँ पर आपका यही सवाल रहेगा, क्या ये रियल DSP या फिर फेंक। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल हो चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और भी बहुत जगह पर अवेलेबल है जहाँ से आप देखिए। मुझे यकीन है कि मूवी शायद आपको अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है और हटके बनाई गई है, जो कि इस तरह की कहानी हमें पहले भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है। पर यहाँ पर विजय सेतुपति है तो उनकी बात अलग ही है, और विजय सेतुपति काफ़ी कमाल के एक्टर भी हैं। इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी शानदार रहती है। तो कुल मिलाकर एक कमाल की मूवी बनी है। तो इस मूवी को आप लोग देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको शायद मूवी अच्छी लगेंगी। और आने वाले टाइम में इस मूवी को शायद यूट्यूब पर रिलीज़ किया जा सकता है, क्योंकि मूवी का जो बैनर था वो सन टीवी था, तो सन टीवीज़ की मूवी शायद हमें यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप सभी लोग हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस मूवी का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो आप सभी को स्टार गोल्ड पर देखने को मिलता रहेगा, तो आप चाहे तो इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर साउथ की एक और कमाल की मूवी के बारे में बात करेंगे, जिसका वेट आप सभी लोग काफ़ी समय से करते आ रहे थे। मूवी का नाम है DSP। अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर, तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आप भी विजय सेतुपति के फ़ैन हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा ये जो मूवी है वो कहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इस मूवी की जो कहानी है वो क्या है, और साथ ही में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलिए जानते हैं मूवी के बारे में, और मूवी की कहानी क्या है, कहां पर उपलब्ध है, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। तो DSP मूवी को 2022 के अंदर रिलीज़ किया गया था तमिल भाषा में, पर जब ये मूवी रिलीज़ हुई OTT के ऊपर, तभी इस मूवी को हिंदी के अंदर भी रिलीज़ किया गया। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है कि अब जो नेटफ्लिक्स है वो भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो कि हमें दे रहा हिंदी के अंदर, और कुछ टाइम पहले इन्होंने जो है ट्वीट भी की थी कि वे लोग जो है वो हिंदी में भी कंटेंट देंगे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों अगर हम बात करें क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप रही थी, तो दोस्तों इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था वो 11 करोड़ का हुआ था, जो कि एक एवरेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप रही थी। तो यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि मूवी फ्लॉप रही तो बेकार रहेंगी, क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सारी मूवीज़ होती है जो कि फ्लॉप हो जाती है, पर हिंदी ऑडियंस को वो मूवी काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे ये मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी है। आप इस मूवी को खुद देखिए, आपको मूवी कैसी लगती है आप हमें जो है वो कमेंट कर कर बताइएगा। अगर हम बात कर लेते हैं मूवी के बारे में कि कहाँ पर मूवी देखने को मिलेंगी, तो वैसे ये मूवी अभी के लिए नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स से हिंदी में देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स है वहाँ पर आपको मिलेंगी जहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, और इनके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। चलिए बात करते हैं मूवी की रेटिंग के बारे में। तो जो IMDb रेटिंग थी वहाँ पर 10 में से 3.5 की रेटिंग मिली थी, जो कि एक बहुत ही कम रेटिंग कहलाती है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मूवी को 2 स्टार मिले थे, और जो तमिल मूवीज़ है जो कि रिव्यूज़ करते हैं तमिल मूवीज़ के, उन्होंने भी इस मूवी को 2 स्टार दिए थे, और 65% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था गूगल की तरफ से। तो यहाँ पर आप इस मूवी की रेटिंग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की जो स्टोरी लाइन और मूवी जो है एवरेज है, पर मेरी माने तो आप रेटिंग पर मत जाएँ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मूवीज है जिनकी रेटिंग कम मिलती है पर वो मूवीज़ ब्लॉकबस्टर बन जाती है, जैसे कि भाग्य 3। इस मूवी को डायरेक्ट किया था पोंड राम ने, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं। साउथ की मूवीज़ देखते होगे तो शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि साउथ के अंदर इन्होंने काफ़ी मूवीज़ बनाई है, जैसे कि सीमा राजा। इसके अलावा भी इन्होंने जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ दी हुई हैं। इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रहती है और हटके रहती है, तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर रहे हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि जो सभी डायरेक्टर हैं उनकी सभी मूवीज़ हमेशा हिट ही जाए, कुछ मूवीज़ फ्लॉप भी जा सकती है। चलिए जानते हैं हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि क्या इस मूवी की कहानी है, कहाँ पर हमें यह मूवी देखने को मिलेंगी। तो वैसे दोस्तों जो मूवी की कहानी है वो एक अमेजिंग है और इंटरेस्टिंग है, कुछ नया आपको इस मूवी के अंदर वापस देखने को मिलेगा। मुझे दोस्तों यह मूवी जो थी वो एक वॉचेबल लगी। आप इस मूवी को देखिए, आपको यह मूवी जो है वो कैसी लगती है मुझे आप बताइएगा। आप सभी लोग हमें दोस्तों फॉलो कर सकते हैं, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जो है वो जानकारी मिलती रहेंगी, तो हो सके तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। अगर आपको इस मूवी से कोई और शिकायत या फिर और कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को जो है वो बता दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं मूवी की कहानी के बारे में कि कहानी इस मूवी की क्या है। तो वैसे दोस्तों कहानी इस मूवी की काफ़ी सिंपल रहती है, पर इससे पहले हमें इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में जानना होगा। तो
तो इस मूवी के अंदर जो विजय सेतुपति है, इसके अलावा शिवानी नारायण भी है, अनुकीर्ति वास है, प्रभाकर है, फुगाजा है, दीपा शंकर, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे सरकास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। पृथ्वीराजन, गजराज, लिंगा, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे किरदार भी मूवी के अंदर हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। कुल मिलाकर ये एक वॉचेबल मूवी है। अगर हम बात करें कि मूवी की जो कहानी हो किस प्रकार की है, तो इस मूवी के अंदर आपको कॉमेडी और एक्शन देखने को मिलता है। अगर आप लोग कॉमेडी एक्शन टाइप मूवीज़ देखते हैं तो इसे आप देख सकते हैं, ये मूवी आपको अच्छी लगेंगी। मूवी के अंदर आपको थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलता है। तो होता कुछ यूँ है कि एक गुंडा होता है, उनके साथ झगड़ने के कारण अपने परिवार को छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद एक व्यक्ति जो होता है बदल लेने के लिए अपने गुहनगर के DSP के रूप में लौटता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ होता यूँ है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जिनके साथ कभी कुछ बुरा होता है तो बदला कुछ बन के दिखाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी मूवी का जो हीरो होता है उसके साथ बहुत पहले कुछ गलत हुआ था, बहुत बुरा हुआ था, फिर वो जो DSP बन जाता है और कैसे सबके वार्ड लगाता है वो आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका यही सवाल रहेगा क्या ये वो रियल DSP है या फिर फेंक, तो आप इस मूवी को देखिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल हो चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और भी बहुत जगह पर अवेलेबल है जहाँ से आप देखिए। मुझे यकीन है कि मूवी शायद आपको अच्छी लगेंगी। मूवी की कहानी भी काफ़ी शानदार है और हटके बनाई गई है, जो कि इस तरह की कहानी हमें पहले भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है, पर यहाँ पर विजय सेतुपति है तो उनकी बात अलग ही है। और विजय सेतुपति काफ़ी कमाल के एक्टर भी हैं, इनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी शानदार रहती है। तो कुल मिलाकर एक कमाल की मूवी बनी है, तो इस मूवी को आप लोग देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको शायद मूवी अच्छी लगेंगी। और आने वाले टाइम में इस मूवी को शायद यूट्यूब पर रिलीज़ किया जा सकता है, क्योंकि मूवी का जो बैनर था वो सन टीवी था, तो सन टीवीज़ की मूवी शायद हमें यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है। तो अगर ये मूवी यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा। आप सभी लोग हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस मूवी का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो आप सभी को स्टार गोल्ड पर देखने को मिलता रहेगा, तो आप चाहे तो इस मूवी को TV पर भी देख सकते हैं।